नागरिक बंधु भरत भाई जो मेरे आदरणीय हैं, अग्रज हैं, उनके साथ बैठे हुए श्री अजय भाई, यहाँ के काम में मेरा सहयोग करने वाले सभी सहयोगी मित्रों, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं और मैं आपके साथ अपने भारत देश की कुछ समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं का कुछ समाधान हो सकता है उसके बारे में कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बातें कहने के लिए आया हूँ। पिछले वर्ष भी मैं आया था, आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना होगा और कुछ लोगों ने शायद ऑडियो सीडी या कैसेट्स पर सुना होगा। कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो भारत देश के बारे में शायद आपको अभी तक सुनने में ना आई हो, पढ़ने में भी ना आई हो और भारत के बारे में कभी विचार करते समय आपके मन में भी ना आया हो। ऐसी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कुछ बातें शेयर करूं उसके पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं जो मेरे परिचय से जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि भारत देश में 1984 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी भोपाल शहर में, जिसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग मरे थे और 1,00,000 से ज़्यादा लोग 10 वर्षों में मरे थे। 20,000 लोग तो एक रात में मरे थे और 1,00,000 से ज़्यादा लोग 10 वर्षों में मरे थे, 1984 से 1994 के बीच में, और 5,00,000 लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए थे, यानी जिनका जीवन हमेशा के लिए खत्म हुआ। इतनी बड़ी दुर्घटना पिछले 500 साल में दुनिया में कहीं नहीं हुई, वो हमारे देश में हुई। थोड़े दिन पहले अमेरिका में एक दुर्घटना हुई थी जब उनके 2 टावर टूट गए थे, ट्रेड सेंटर, उसमें भी मात्र 3,000 लोग मरे थे। और वो 3,000 लोगों के मरने का दुष्परिणाम क्या हुआ पूरी दुनिया पर, वो आपने अपनी आंखों के सामने देखा। अमेरिका ने सारी दुनिया को सिर पे उठा लिया और 2 देशों को जितना कर सकता था उतना बर्बाद किया उसने। इसी अमेरिका देश की एक कंपनी ने 1984 3 दिसंबर को भारत देश के 20,000 लोगों को मारा था, इसी अमेरिका की एक कंपनी। अमेरिकन नागरिक मर जाए तो इराक और अफगानिस्तान पे हमला किया जा सकता है, भारत के 20,000 नागरिक अमेरिका की कंपनी ने मार डाले, दुनिया में कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इसका न्याय क्या होना चाहिए। जो कंपनी इस काम में इन्वॉल्व थी भोपाल गैस कांड में, यूनियन कार्बाइड, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉरेन एंडरसन, उसके खिलाफ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भोपाल की अदालत ने वारंट डिक्लेयर किया, नॉन वेलेबल वारंट डिक्लेयर किया, लेकिन ये वारंट डिक्लेयर हुआ 1986 में और अभी 2004 तक उसका पालन नहीं किया गया, वॉरेन एंडरसन को अरेस्ट नहीं किया गया। इससे भी ज्यादा दुख और दुर्भाग्य इस भारत देश में ये है कि अभी थोड़े दिन पहले भारत देश के एक धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया एक झूठे बयान के आधार पर, लेकिन सारी दुनिया के सामने जो सिद्ध हुआ भोपाल गैस कांड, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ना पुलिस ने कोई कार्यवाही की ना भारत सरकार ने। भारत सरकार अभी तक अमेरिका के साथ निगोशिएट कर रही है और वो निगोशिएशन पता नहीं अगले 50 साल तक चल सकते हैं कि वॉरेन एंडरसन को भारत में भेज दिया जाए, और अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसे भारत में नहीं भेज सकते। मैंने इस पर जानने की कोशिश की कि अमेरिकन गवर्नमेंट को वॉरेन एंडरसन से क्या लेना देना। वॉरेन एंडरसन अमेरिका की एक कंपनी का मालिक कहिए, उससे अमेरिका की सरकार को इतना प्रेम क्यों है जो वो भारत सरकार की बात को बराबर मना कर रही है। बाद में पता चला कि वॉरेन एंडरसन अमेरिका में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। दुर्भाग्य और सौभाग्य जो भी मानिए अमेरिका के लोगों का, वहाँ जब चुनाव होता है राष्ट्रपति पद का, उसमें 2 राजनीतिक पार्टियाँ जब चुनाव लड़ती हैं, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स, इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज़्यादा जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनमें वॉरेन एंडरसन एक है। अमेरिका की कोई सरकार की हिम्मत नहीं है, वो रिपब्लिकन्स की हो या डेमोक्रेट्स की, जो भारत में वॉरेन एंडरसन को सौंप सके और भारत की अदालत उस पर कोई न्याय दे सके। भारत देश के बड़े बड़े सॉलिसिटर्स के साथ इस विषय पर मैंने बात किया है, इवन सोली सोराब जी जैसे लोगों से, दीपांकर भट्टाचार्य, अरुण जेटली, जो अनेक समय पर भारत में बड़े वकीलों में गिने जाते हैं, इन सब से इस विषय पर मैंने बात किया है, तो वो एक ही बात कह के बात को ख़त्म कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ भारत सरकार की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है ये एक्शन लेने की, इसलिए कुछ होता नहीं।
अन्यथा दुनिया के किसी दूसरे देश में ये हत्याकांड हो गया होता या दुर्घटना हो गई होती तो अब तक उसका चित्र कोई और ही होता। अगर यूनियन कार्बाइड ने यह दुर्घटना फ्रांस में किया होता या जर्मनी में किया होता या डेनमार्क में कर दिया होता या नीदरलैंड में कर दिया होता या ब्रिटेन में कर दिया होता या कोई और देश में कर दिया होता तो उसका चित्र कुछ और ही होता। चूंकि ये दुर्घटना भारत में हुई और भारत की राजनीतिक पार्टियां आप जानते हैं कि कितनी गिरी हुई हैं, कितनी नतमस्तक हैं, अमेरिका के सामने सब जो है हाथ बांधे खड़े रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक, और इस तरह से बातें करते हैं जैसे अमेरिका का एक्सटेंशन दिल्ली में खुल गया हो। अब तो हमारे प्रधानमंत्री को ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि हमें तो अमेरिका की नीतियों पर ही चलना पड़ेगा क्योंकि हम उनसे कर्ज लेते हैं। ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने अब कहना शुरू कर दिया। तो अब हमारे देश की स्थिति तो ऐसी है और ये बात मुझे बहुत चोट करती रही, बहुत चुभन करती रही कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं भारत देश की ऐसी स्थिति को या तो बैठे बैठे बर्दाश्त करता रहूं, देखता रहूं, या इसको बदलने के लिए कुछ प्रयास करूं। बहुत लोग भारत में हैं मेरे जैसे हैं लेकिन वो बहुत सिनिसिज्म में फंस गए हैं। वो मानते हैं कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जो है वही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं भारत में जो ये मानते हैं कि नहीं, कुछ करना चाहिए, उसका परिणाम जो मिले मिले, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में विश्वास करता हूँ। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कर्म करो और कर्म के लिए प्रयास करो, परिणाम जो निकले उसकी परवाह तुम मत करो। और यही बात को ध्यान में रखकर 1984 में यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में, उस समय मैं एक छोटे से रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा था भारत सरकार के, उस जीवन में तय कर लिया था कि मुझे अब देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। वहां से ये यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में 6 वर्ष के बाद थोड़ी सफलता मिली और वो सफलता इस रूप में मिली कि हमने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ भारत के 10,000 से ज्यादा गांवों में बॉयकॉट कैंपेन किया था, बहिष्कार अभियान, और वो सब के सब 10,000 गांव आज भी ऐसे हैं जो यूनियन कार्बाइड की बनाई हुई कोई वस्तु इस्तेमाल नहीं करते। उन 10,000 गांवों में किसान पहले यूनियन कार्बाइड का बनाया हुआ पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते थे, किसानों ने वो पेस्टिसाइड बंद किए और वहां के लोग यूनियन कार्बाइड की बनाई हुई एवररेडी बैटरी इस्तेमाल करते थे, वो उन्होंने बंद किया। बाद में हम लोगों ने मुंबई के शेयर मार्केट में एक कैंपेन किया था और मुंबई के शेयर ब्रोकर्स ने हमें बहुत मदद किया, उन्होंने यूनियन कार्बाइड के बहुत सारे शेयर्स जो खरीदे हुए थे वो बेचना शुरू किया और नए शेयर्स खरीदना बंद किया, उससे यूनियन कार्बाइड कंपनी को काफी नुकसान हुआ। और ये सब अभियान चलाते चलाते बहुत सारे धर्म गुरुओं का भी हमें आशीर्वाद मिला, मदद मिली। परिणाम ये हुआ कि एक दिन यूनियन कार्बाइड ने भारत को छोड़ दिया। सरकार ने भारत यूनियन कार्बाइड से नहीं छुड़वाया लेकिन इस अभियान से जरूर एक आशा पैदा हुई और जब यूनियन कार्बाइड भारत छोड़ के चला गया। और आप जानते हैं कि बाद में वो यूनियन कार्बाइड कंपनी अमेरिका से भी चला गया, माने अब यूनियन कार्बाइड कंपनी का अमेरिका में भी कोई अस्तित्व नहीं है और अब उस कंपनी की सारी संपत्ति अमेरिका की कुछ दूसरी कंपनियों के द्वारा टेक ओवर की गई है और भारत में भी अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। ये सब काम करते करते मेरे मन में बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण हुआ था, उनका समाधान ढूंढने के लिए मैंने कुछ अभ्यास करना शुरू किया था, अध्ययन करना शुरू किया था। और वो अध्ययन करना ये शुरू किया कि आखिरकार ये यूनियन कार्बाइड कंपनी आई कैसे भारत में। तो पता चला कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ भारत सरकार और कंपनी के बीच में, तो उस MOU में क्या लिखा गया, वो सब दस्तावेज जब मैंने देखे तो मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, क्योंकि MOU में जो कुछ लिखा गया वो कुछ भी यूनियन कार्बाइड ने भारत में कभी किया नहीं और जो MOU में नहीं लिखा गया वही सब कुछ आकर उन्होंने भारत में किया। तो मैंने इस बात को भारत सरकार के एक उद्योग मंत्री के सामने कहा था कि जो MOU आपने लिखा, साइन किया है कंपनी के साथ, अगर कंपनी उसको फॉलो नहीं कर रही है तो आपने उसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं किया और उसके खिलाफ कोई काम क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया। तो वो इंडस्ट्री मिनिस्टर आज भी भारत सरकार में दुर्भाग्य से मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत मजाक किया, हंसते हुए ये कहा था कि ये ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं जो MOU साइन करते समय कुछ कहती हैं और उसके ठीक उल्टा करती हैं लेकिन भारत सरकार उनके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं करती, उसका कारण है कि उसमें पैसे का लेन देन होता है। और ये पैसे का लेन देन कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है ये जानने की जब मैंने कोशिश की
तो पता चला कि सिर्फ यूनियन कार्बाइड वाले केस में 480 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, सिर्फ एक कंपनी के केस में। फिर मुझे लगने लगा कि अगर एक कंपनी में 480 करोड़ का लेन देन हुआ तो ऐसी भारत में सैकड़ों कंपनियां हैं, उसमें कितना हुआ होगा। ऐसे ऐसे विषय में मैं आगे उतरता गया। बाद में मुझे एक ऐसे सज्जन, एक ऐसे सत्पुरुष के साथ परिचय हो गया जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं और भारत पर बहुत उन्होंने अभ्यास किया है, 40 वर्षों तक भारतीय इतिहास का अध्ययन करते रहे हैं। उनको धर्मपाल जी के नाम से पूरा भारत देश जानता है, बहुत नोटेड हिस्टोरियन है। एक बार जब मैं उनसे ये बात करता था तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो यूनियन कार्बाइड का प्रॉब्लम है ये कोई नया नहीं है, ऐसा भारत में पहले भी कई बार हुआ है जब हमारे देश की कुछ सरकारों ने विदेशी कंपनियों के साथ MOU साइन किए थे। तो मैंने कहा ये कब हुआ? उन्होंने कहा 400 साल पहले हुआ था, जब इस देश में जहांगीर नाम का एक राजा था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक MOU साइन किया था। मैंने कहा मुझे वो उसकी कॉपी देखनी है कि वो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो MOU साइन किया, तो उन्होंने कहा उसकी कॉपी तो भारत में नहीं मिलेगी, लंदन में मिल सकती है। उस कॉपी को ढूंढने के लिए मैं लंदन तक पहुंचा और मुझे सफलता मिली। लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, आप जानते हैं अंग्रेजों की लोकसभा, उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी से मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी और जहांगीर के बीच जो MOU साइन हुआ था उसकी कॉपी मिल गई। वहां पर कॉपी दो भाषाओं में उपलब्ध है, एक तो फारसी में लिखी हुई है और दूसरा अंग्रेजी में लिखी हुई है। अंग्रेजी कॉपी जब मैंने देखी तब मुझे अंदाजा हुआ कि जहांगीर ने तो पूरे भारत को लूटने की खुली छूट दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिर्फ MOU साइन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फ्री ट्रेड करने की अनुमति दी गई थी और फ्री ट्रेड का उस समय का जो डेफिनेशन था वो ये कि वो कुछ भी बेच सकते हैं, कितना भी मुनाफा कमा सकते हैं, भारत से लेके जा सकते हैं, जहांगीर को उसमें से कुछ टैक्स के रूप में मिल सकता है। तो जब अंग्रेज यहाँ कुछ भी बेच सकते थे, कितना भी मुनाफा कमा सकते थे, कितना भी यहाँ से लेके जा सकते थे, जब उन्होंने ये सब सिलसिला शुरू किया तो मेरे मन में आया कि उन्होंने कितना मुनाफा कमाया, कितना लेकर गए हिंदुस्तान से, वो पता होना चाहिए। तो फिर और आगे दस्तावेज इकट्ठे करने शुरू किए और करते 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 12-14 साल की मेहनत के बाद मेरे पास 50,000 दस्तावेज इकट्ठे हुए, 50,000 डॉक्यूमेंट्स मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी लंदन से, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन से इकट्ठे करके भारत के बारे में थोड़ा जानना समझना शुरू किया। बाद में पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ MOU साइन हुआ था, ऐसे कुछ MOU कुछ फ्रेंच कंपनियों के साथ भी हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले। फिर पता चला कि फ्रेंच कंपनियों से पहले भारत के राजाओं ने कुछ पोर्चुगीज कंपनियों के साथ भी MOU साइन किए थे। भारत में 1498 में 20 मई को एक राजा ने एक पोर्चुगीज कंपनी के साथ MOU साइन किया था और वो पोर्चुगीज कंपनी का भारत में जो प्रतिनिधि था उसका नाम था वास्को डिगामा। उस वास्को डिगामा के साथ केरल, आप जानते हैं पहले केरल मलाबार के नाम से जाना जाता था, मलाबार में एक राजा होता था जिसका नाम था झामोरिन, कालीकट उसकी राजधानी था। तो उसने 1498 20 मई को वास्को डिगामा के साथ एक MOU साइन किया था और परिणाम ये हुआ, उस MOU ने वास्को डिगामा को पूरे कालीकट को लूटने का अधिकार दिया था और वास्को डिगामा ने कालीकट से लूट कर जितना सोना ले गया था उसका वर्णन पोर्चुगीज डॉक्यूमेंट्स बताते हैं जो मैंने लिस्बन से लिए, वहाँ के आर्काइव से। लिस्बन आर्काइव्स में जब मैं गया ढूंढने के लिए कि वास्को डिगामा कितना कुछ लूट के ले गया, तो पहला MOU जब साइन हुआ 20 मई 1498 को, उसके बदले में वास्को डिगामा कम से कम 7 जहाज भरकर सोने की अशर्फी यहाँ से ले गया था। एक जहाज में कम से कम 6 से 7 मीट्रिक टन सोना आता था, ऐसे 7 जहाज भरकर लेके गया था और सिर्फ एक ही एरिया से जिसको मलाबार कहते हैं। पूरे भारत देश की कल्पना नहीं कर सकते, एक एरिया से वो लेके गया। फिर दूसरी बार अगेन वास्को डिगामा आया, फिर एक और MOU साइन किया, फिर उसके बाद वो कुछ लेके गया। तो मुझे ये समझ में आने लगा कि ये भारत में बड़ी पुरानी बीमारी है विदेशी कंपनियों से MOU साइन करने की, और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि बाहर वालों को बुलाकर अपने को लुटवाने की कि आओ और आप हमको लूट के ले जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको अतिथि बनाकर अपने महल में ठहराएंगे, खीर पूड़ी खिलाएंगे और आपको लूटने का लाइसेंस भी देंगे कि आप इस देश को लूट के ले जाओ।
तो ये बीमारी जब इतनी ज़्यादा पुरानी है तो मैंने सोचना शुरू किया कि इसके गहरे कुछ निहितार्थ होने चाहिए, और उस दिशा में बढ़ते 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 कुछ समझ में आने लगा, और वो समझ में आते आते आज इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि ये बीमारी जो भारत में 14वीं शताब्दी में आई थी, वो बीमारी अब 21वीं शताब्दी में और ज़्यादा तीव्रता से आ गई। 14वीं शताब्दी में तो एक दो राजा थे और एक दो विदेशी कंपनियां थी जिनके साथ एमओयू साइन होते थे। अब 21वीं शताब्दी के भारत के जो राजा हैं वो तो हजारों अमेरिकन यूरोपियन कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं और हवाई जहाज में उड़ कर जा रहे हैं उनको बुलाने के लिए कि आप आइए, हमने भारत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, जो कुछ लूटना चाहते हैं लूट के ले जाइए, जो कुछ हमारे पास बच गया है पिछले 500 साल में लूटने के बाद वो आप ले जाइए। 500 साल तो हमने लूटने के लिए दरवाजे खोले ही थे, अब आने वाले 100-150 साल में भी जो बचा है वो भी आप लेके चले जाइए। तो ये एक बीमारी हमारे देश में जो 14वीं 15वीं शताब्दी में आई, वो बीमारी अब बहुत गहरी हो गई है। पहले ये इंडिविजुअल लेवल पे थी, अब इंस्टीट्यूशनल हो गई है ये बीमारी। पहले भारत में आप जानते हैं आज़ादी के पहले 565 रियासतें थी, तो 565 राजा थे, तो एक दो राजा एक दो विदेशियों को बुलाता था। अब भारत में क्या है कि सभी राज्य मिलकर एक यूनियन हो गया है, और राजा पूरा का पूरा एक है, प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरा हो, वो सीधे ही बुला लेता है, पूरे भारत में लूटने का अधिकार दे देता है और लाइसेंस दे देता है। और दुर्भाग्य हमारे भारत देश का ये है कि हमारी जो साधारण जनता है, साधारण जो लोग हैं, कॉमन पीपल जो हैं, उनको ये सब कुछ मालूम नहीं है कि हमारे देश में किस तरह से ये सब होता है। और मुझे तो इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि साधारण लोगों को मालूम नहीं है तो एक बार उनको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन भारत में ये जो पढ़ा लिखा क्लास है, जिसको एजुकेटेड आप कह सकते हैं और आप चाहें तो उसको बेस्ट क्वालिटी ब्रेन कह सकते हैं दुनिया का, इसको भी इन सब विषयों में कोई रस नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। जो भरत भाई बार बार कहते हैं ना, जगे हुए को कैसे जगाओगे, ये जो जगा हुआ क्लास है ये यही है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजर हैं, वो सब जानते हैं कि भारत की बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, लेकिन कभी गांव-गांव जाके लोगों को बताएं, समझाएं, बातें करें, इस पे कोई प्रयास ही नहीं करते हैं, और इससे कैसे जूझें और इसमें समस्या का क्या समाधान निकले उसमें भी कोशिश नहीं करते। अभी थोड़े दिन पहले मैं भारत में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया था, भारत के कई डॉक्टर्स लोगों का एक संगठन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनकी एक कॉन्फ्रेंस में गया था। उसमें भारत देश के कई बड़े माने जाने डॉक्टरों के साथ बात करता था, चर्चा करता था, तो उनके सामने मैंने एक प्रश्न रखा था कि आजकल भारत में एक बीमारी बहुत हो गई है, शायद दुनिया में भी ज़्यादा हो गई है, हार्ट अटैक, बहुत ज़्यादा हृदयघात हो रहे हैं और कम उम्र में हृदयघात हो रहे हैं, 35-40 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसका समाधान के रूप में भारत में जो होता है वो क्या होता है, एक सबसे पहला स्टेप है हार्ट अटैक के समाधान में, वो है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में एक छोटा सा स्प्रिंग है जो स्टंट के नाम पर डाला जाता है, आपकी जो आर्टरीज हैं जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है तो उन आर्टरीज को थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए, उसमें जगह ज़्यादा बनाने के लिए एक स्प्रिंग डालते हैं। वो स्प्रिंग वैसा ही होता है जैसे बॉल पेन में आपने देखा होगा, वो स्प्रिंग बनाने का खर्चा मात्र 3-3.25 रुपये आता है और भारत में वो 35,000 से लेकर 1,00,000 रुपये के बीच में बेचा जाता है। मैंने इस विषय पर बहुत सारे सर्जन्स लोग जो रोज एंजियोप्लास्टी के 4-5 ऑपरेशन करते हैं उनके साथ बात किया कि ये जो स्प्रिंग आप डालते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3-3.25 रुपए, हाँ बिल्कुल सही है, इतनी ही है, फिर ये 35,000 से लेके 1,00,000 रुपए में डाली जाती है, आपको लगता नहीं कि भारत की लूट हो रही है? तो कहते हैं हाँ लगता है लूट हो रही है, तो इस लूट को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? तो वो कहते हैं आप करो। मैंने कहा मैं तो सर्जन नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो सर्जन हैं, आपको तो सरकार ने एक ऊंची डिग्री देकर आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च करके इस जिम्मेदारी के लिए बनाया है, आपका तो पहला कर्तव्य और धर्म है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही है, लेकिन अंत में एक ने धीमे से कहा कि ये जो 35,000 से 1,00,000 के बीच में ये बिकता है स्टंट, इसमें कुछ कमीशन हमारा भी है, तो हम चुप बैठे। ये बात जब मैंने भारत के राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाई, जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम, और मैंने उनसे कहा कि आप तो DRDO में बड़े पद पर काम कर चुके हैं और आप इस देश के बहुत सिंसियर साइंटिस्ट में माने जाते हैं, जो सच में बहुत सिंसियर हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते और के लिए भी सोचते हैं, आप इसमें कुछ प्रयास कराइए। तब उन्होंने एक लंबा पत्र मुझे भेज दिया और कहा कि मैंने
डीआरडीओ में रहते हुए प्रयास किया था। और ये जो स्टंट भारत में बाहर से आता है, अमेरिका से बेसिकली आता है, 35,000 से 1,00,000 रुपए के बीच में, इसको डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रयासों से 10 रुपए में तैयार किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने उस समय डॉक्टर कलाम का साथ नहीं दिया, अमरीकी कंपनी का साथ दिया, तो आज तक वो योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मुझे लिख के भेजा। तो मैंने कहा जिस समय आप साइंटिस्ट थे तब भारत सरकार ने आपको मदद नहीं किया, ठीक है, समझ में आता। अब तो आप भारत सरकार के मुखिया हैं, अब तो आप प्रेसिडेंट हैं, अब तो आपके लिए बहुत आसान है ये सब करना। तो उन्होंने कहा अब और मुश्किल है, पहले ज्यादा आसान था, अब और मुश्किल है। अब क्या है, अब मैं प्रोटोकॉल से इतना घिरा हुआ हूं चारों तरफ से कि अब तो मेरी जिंदगी की सारी आजादी खत्म हो गई। और उन्होंने दुख से कहा कि अगर मेरी बहन राष्ट्रपति भवन में मुझे राखी बांधने के लिए आए तो उसके लिए होम सेक्रेटरी से परमिशन लेना पड़ता है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है। अगर होम मिनिस्ट्री को मेरी बहन पर डाउट हो जाए तो वो परमिशन भी नहीं देता है और वो बिना राखी बांधे चली जाती है। उन्होंने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, पहले तो थोड़ा बहुत कर सकता था, अब तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा आप कम से कम सरकार को सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसे ऐसे सुझाव सरकार को दिए हैं जिनको सरकार ने फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आप जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बहुत सीरियस सजेशन दिया था कि भारत की राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इस बात की पाबंदी होनी चाहिए कि वो क्रिमिनल्स को टिकट ना दें। और आप जानते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भारत में कोई भी क्रिमिनल को राजनीतिक पार्टी अगर टिकट दे तो उस राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को भारत की सरकार लागू करने के मन में नहीं थी और भारत सरकार ने उलट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हमको ये कहने वाला, हम संसद में कानून पलट देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट पलटने के लिए भारत के घोटालेबाज नेताओं ने, भ्रष्ट नेताओं ने, हरामखोर नेताओं ने एक साथ मिलकर एक ऐसा कानून बना दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ही निष्प्रभावी हो गया और वो आज तक लागू नहीं हुआ। डॉक्टर कलाम को इसका बहुत धक्का लगा है और आज तक वो उस धक्के से उबर नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैंने तो एक कोशिश की थी भारत के हित में कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों का ऐसा समूह जो यहाँ बैठ गया है ये तो कुछ करने नहीं देता है। और उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत में ये स्वीकार किया है कि अब भारत में कुछ अच्छा होगा तो जमीन से कोई रिवोल्यूशन हो तो संभव है, दिल्ली बैठकर कुछ नहीं हो सकता। वो भी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। ऐसी गंभीर समस्या में हमारा देश है, या कहें तो बहुत गंभीर बीमारी में हमारा देश फंसा है। इस बीमारी की जड़ें कहाँ हैं वो जानने की कोशिश में पिछले कुछ वर्षों से करता रहा और इस बीमारी की जड़ों को जानने की कोशिश में मैंने आपसे कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने जो इकट्ठे किए उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने जब देखना शुरू किया तो मेरे मन में पहले प्रश्न ये आता था कि ये बीमारी कितनी पुरानी है, 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है। उदाहरण के लिए करप्शन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में, ये करप्शन कितना पुराना है, 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल। या ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है, ये ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम कितना पुराना है, 50 साल, 100 साल, 200 साल। ये सब प्रश्न मेरे मन में आते थे और इन प्रश्नों को समझने के लिए फिर मैं ये प्रश्न मन में आते थे कि ये गरीबी बेरोजगारी का प्रश्न है, ये कितनी पुरानी है भारत की समस्या। तो इस विषय को ज्यादा माइक्रो लेवल पे जानने की कोशिश में मैं ये दस्तावेज इकट्ठे करता गया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे कर लिए और उनका अभ्यास किया तो पिक्चर बिल्कुल कोई दूसरा निकला। और पिक्चर ये निकला कि ये जो बीमारियां आज हमारे देश में आपको दिखाई देती हैं इनमें से 90% बीमारियां मात्र 150-200 साल पुरानी है, बहुत अधिक तो 300 साल पुरानी है। और कुछ 10% बीमारियां ऐसी हैं जो 500-700 साल पुरानी है। माने 1000 साल पहले के भारत को जब मैं देखता हूं दस्तावेजों में तो वो ऐसा भारत दिखाई देता है जिसमें बीमारियां बहुत ही कम है या तो ना के बराबर है। और ये 1000 साल पहले का जो भारत है इसी को हमारे इतिहास में भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता रहा है, गोल्डन पीरियड जो भारत का है। तो ये जो गोल्डन पीरियड है उसमें बीमारियां बिल्कुल ना के बराबर है, माने गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, ये कास्टिज्म इतना नहीं है, ये सब इतना नहीं है। थोड़े थोड़े प्रॉब्लम है वो राजाओं के हैं और उनको सॉल्व करने के लिए सिस्टम बने हुए हैं।
लेकिन ये बीमारियां ज्यादा शुरू हुई हैं 10वीं 11वीं शताब्दी से। 10वीं 11वीं शताब्दी में भारत में विदेशी हमले बहुत शुरू हुए हैं, आप सब जानते हैं इतिहास में, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। 10वीं 11वीं शताब्दी में जब विदेशी हमले शुरू हुए हैं तब भारत में ये थोड़ी थोड़ी बीमारियां आने लगी हैं। और विदेशी हमले में सबसे खराब क्या होता है कि आपकी संपत्ति लूटी जाती है सबसे पहले, तो आप संपत्ति से वंचित होना शुरू होते हैं, समृद्धि आपकी कम होने लगती है। और जब समृद्धि कम होने लगती है तो कुछ आर्थिक समस्याएं वहां से पैदा होने लगती है। भारत की लूट करने के लिए जो विदेशी लोग आए हैं, इन लोगों ने किस लेवल पे लूट किया होगा इस देश का, इसका वर्णन अगर आप चाहें तो दस्तावेजों में मैं आपको दिखा सकता हूं। इस व्याख्यान के बाद आप में से किसी को भी रुचि हो तो आप थोड़ी देर के लिए बैठें। मैं इस बार डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ सीबी पर लेके आया हूं, लास्ट टाइम आया था तो सिर्फ बात किया था, इस बार डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ लेके आया हूं। जिनको भी इंटरेस्ट हो वो डॉक्यूमेंट्स यहां देख सकते हैं, और ज्यादा इंटरेस्ट हो तो सीडी आपको दे सकता हूं, आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों से और दूसरों को दे सकते हैं, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स में मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए इकट्ठे नहीं किए हैं, देश के लिए इकट्ठे किए। ये अलग बात है कि इकट्ठा करने में मैंने थोड़ी मेहनत की है, लेकिन जब आ गए हैं तो ये देश की संपत्ति मानता हूँ, ये मेरी संपत्ति नहीं है, क्योंकि इन दस्तावेजों को इकट्ठा करने में भारतवासियों ने बड़ी मदद की है मेरी, खासकर लंदन में रहने वाले जो भारतवासी हैं उनकी बिना मदद के ये मैं नहीं ला सकता। आप जानते हैं मेरे जैसे आदमी का हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रवेश कैसे हो सकता है, आप जरा सोचिए। और हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लाना जो बहुत सेंसिटिव कहलाते हैं, वो तो ऐसे भारतवासियों की मदद से संभव हुआ है जो लंदन में रहते हैं और बहुत देशभक्ति से भरे हुए हैं, और वो कहते हैं मुझे कि हम खून के आंसू रोते हैं यहाँ लंदन में बैठकर, कभी भी दिल में जब देश का ख्याल आता है तो खून के आंसू रोते हैं। अभी हमें खुशी इस बात की है, संतोष इस बात का है कि तुम्हारे जैसे एक जवान आदमी ने ये काम करना तो स्वीकार किया, शुरू करना तो वो मदद किया, तो उनकी मदद से ये सब आए। और इसमें ऐसे लोगों ने मदद किया जो भारतवासी हैं और पार्लियामेंट में MP हैं। आप जानते हैं कई बार उनका नाम लेके मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि उनको तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप काफी समझदार व्यक्ति हैं, ऐसे कई भारतवासी हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में MP हैं, खासकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैं। तो उन सबकी मदद से ये दस्तावेज इकट्ठे हुए तो अभ्यास किया तो पता चला 10वीं 11वीं शताब्दी में भारत की जब लूट शुरू हुई विदेशियों के द्वारा, तो ये लूट बहुत छोटे पैमाने पर नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर है। कम से कम जो लुटेरे यहाँ आए और जो कुछ संपत्ति लेकर गए उनका वर्णन अगर इकट्ठा किया जाए और उन सब वर्णनों के आधार पर जो लूटा हुआ माल इकट्ठा कर लिया जाए, तो सोना ही इतना निकलता है कि भारत के एक एक गांव की सड़क सोने से बन सकती है आज, इतना सोना लूट कर बोले गए। जैसे उदाहरण के लिए मोहम्मद बिन कासिम गुजरात आता है और अकेले गुजरात में 3 महीने के अंदर 22 मीट्रिक टन सोना लूट के लेके जाता है, सिर्फ 3 महीने के अंदर, मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 3 महीने। फिर उसके बाद सोमनाथ के मंदिर की कहानी तो आप सब जानते हैं, 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में, और आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं 17 बार लूटा है, हर साल लूटा है, और एक एक साल में जो संपत्ति वहां से गई है उस संपत्ति को 17 साल लगातार जोड़ दिया जाए तो सौराष्ट्र के एक एक गांव की सड़क सोने से बन जाए, इतना लूटा है सोमनाथ के मंदिर को। और सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला महमूद गजनबी अपनी लिखी हुई एक छोटी सी डायरी में, जो फारसी भाषा में उपलब्ध है जिसका हमने हिंदी और अंग्रेजी भाषांतर कराया, उसमें वो कह रहा है कि मैं अगर 50 साल भी जिंदा रहूं तो इस एक मंदिर को ही लूटने के लिए समय काफी नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि वो एक बार नहीं 2 बार आया, 2 बार नहीं 3 बार आया, 3 बार नहीं 17 बार आया, 18वीं बार मर गया, नहीं तो फिर आने वाला था। तो वो कह रहा है कि अगर मैं 50 साल और जिंदा रहूं तो इस एक मंदिर को लूटने के लिए समय कम पड़ेगा। मैंने उस एक ही मंदिर में इतनी संपत्ति है जिसको लूटने के लिए किसी एक व्यक्ति को 17 बार आना पड़ता है। और ये सोमनाथ का मंदिर तो एक कहानी है, ऐसे हिंदुस्तान में हजारों मंदिर हैं, मठ हैं जो लूटे गए हैं, जिनकी संपत्ति भारत से बाहर गई है। और ये कहानी शुरू होती है 10वीं 11वीं शताब्दी से और ये अंत होती है 15 अगस्त 1947 को। इस पूरे पीरियड में जो भारत की लूट हुई है उनमें जो मुख्य लुटेरे भारत में आए हैं, दुर्भाग्य से उन सबको भारत के इतिहास में हीरोज के रूप में पढ़ाया जा रहा है। हमारे देश के इतिहास में वो सब ग्रेट हीरोज के नाम से पढ़ाए जाते हैं। उदाहरण के लिए
जामोरिन के राज्य को लूटने वाला वास्को डी गामा भारत के इतिहास में महान नाविक था, बहुत बहादुर था, ऐसा पढ़ाया जाता है। और वास्को डी गामा के बारे में जो दस्तावेज मुझे मिले वो ये बताते हैं कि ना तो वास्को डी गामा नाविक था ना ही बहादुर था, वो लिस्बन की गलियों में घूमने वाला टपोरी था, जो उसका लाइफ जिन्होंने लिखा है, पुर्तगाली इतिहासकारों ने वास्को डी गामा के बारे में जो कुछ लिखा है वो लिखा हुआ दुनिया में उपलब्ध है। वास्को डी गामा पे दो किताबें लिखी गई हैं पोर्चुगीज में, जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ चुका है। वो दस्तावेज बताते हैं कि वो टपोरी था। टपोरी एक शब्द है मराठी का, बंबई में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। टपोरी का माने आवारा लड़का, जिसको कोई काम नहीं है, कोई धाम नहीं है, बस इधर घूमना उधर घूमना, कभी इधर कभी उधर, बिना किसी काम के घूमने वाला, और कभी भी किसी का छोटा मोटा जेब काट लिया, पर्स निकाल लिया, किसी से कुछ छीन लिया, ये टपोरी। वो टपोरी व्यक्ति था जिसको पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने भारत जाने के लिए एक चिट्ठी दे दिया कि ये तुम्हारा अधिकार पत्र है, तुम जाओ और भारत के हिस्से को लूट के ले आओ, जो कुछ लाओगे उसमें से इतना परसेंट हमें दे देना, इतना परसेंट चर्च को दे देना, बाकी बचा हुआ अपने लोगों में बांट लेना। बाकायदा अधिकार पत्र उसको दिया गया, चार्टर जिसको कहा जाता है वो उसको लेके आया है। और वो खुद लिख रहा है वास्को डी गामा कि मुझे नाव चलाना नहीं आता। और भारत के इतिहास के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कि वो बहुत महान सेलर था, उसको नाव चलाना नहीं आता। वो कहता है कि मैंने कभी जिंदगी में नाव नहीं चलाई, और वो कहता है मुझे बहुत डर लगता है समुद्र यात्रा करने में, क्योंकि कभी भी नाव डूब जाती है। तो नाव कौन चलाता था वास्को डी गामा की? वास्को डी गामा की नाव एक गुजराती भाई चलाता था जो उसने नौकर रखा हुआ था। और वो गुजराती भाई जो था वो कच्छ का था। कच्छ में मांडवी नाम का एक गाँव है, उस मांडवी का रहने वाला एक नाविक वास्को डी गामा के यहाँ नौकरी करता था, वो नाव लेके आया था। क्योंकि मांडवी का रहने वाला एक कच्छी नागरिक वास्को डी गामा की नाव लेके भारत आया था। क्यों? क्यों प्रश्न उठता है? क्यों? इसलिए कि गुजराती लोग सबसे ज्यादा व्यापार करने के लिए परदेश जाते थे। भारत देश में सबसे ज्यादा विदेश व्यापार करने वाला अगर कोई एक राज्य माना जाए तो वो गुजरात है। दूसरा विदेश व्यापार करने वाला अगर कोई सेकंड कैटेगरी का राज्य है तो वो राजस्थान रहा है। ये राजस्थानी और गुजराती समाज के लोग सबसे ज्यादा विदेश व्यापार में थे। और आज से नहीं, 1000 साल, 1500 साल से, 2000 साल से भारत का विदेश व्यापार बहुत पुराना है। कुछ देशों ने आज एक्सपोर्ट करना शुरू किया, हम बहुत साल से एक्सपोर्ट करते रहे। और गुजरात एरिया से सबसे ज्यादा व्यापारी विदेश जाते थे व्यापार करने के लिए, वो अपने साथ जो नाविकों को लेके जाते थे उनमें से एक नाविक था। और वो नाविक गलती से एक बार पुर्तगाल पहुंच गया तो उसको पकड़ के बंद किया था सरकार ने, उसको वास्को डी गामा के साथ भेज दिया था और वो उसकी नाव लेके आया था। उसको सारे रास्ते मालूम थे भारत आने के, वास्को डी गामा को कुछ नहीं मालूम था, कभी उसने समुद्र यात्रा नहीं की थी। तो ये नाविक था भारत का, वो लेके आया था वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा अपने मेमोआर्स में लिख रहा है, अपनी डायरी में, कि मैं जो जहाज लेके भारत में आया तो मैं मानता था कि मेरे पास सबसे बड़ा जहाज है पुर्तगाल का, क्योंकि वो पुर्तगाल सरकार का जहाज था। लेकिन उसने कहा कि जब मैं भारत आ गया तो मैंने देखा मुझसे भी 20-20 गुने बड़े जहाज भारत में पहले से हैं। और वो कह रहा है कि जहाज बनाने में भारत के नागरिकों का, माने भारत के जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं नेविगेशन के, उनका कोई सानी नहीं है। इस क्वालिटी के जहाज वो बनाते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके जहाज से 20 गुने बड़े जहाज भारत में थे, वो लिख रहा है अपनी डायरी। और कह रहा है कि उनका स्टील बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उनकी लकड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और वो कहता है कि जहाज बनाने की इंडस्ट्री भारत की सबसे अच्छी इंडस्ट्रीज में एक है। और आप जानते हैं कि कच्छ में कई गांव हैं जहां जहाज बनाने का काम होता रहा है। और सिर्फ कच्छ में ही नहीं, भारत के कोस्टल बेल्ट के जितने भी बड़े गांव हैं सभी में जहाज बनाने का काम बड़े पैमाने पे होता रहा है। और ये आज का नहीं है, 1200-1500 साल पहले का है। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ आ गया इसकी वजह से, माने वो गुजराती नागरिक उसको ले आया और लूट लूट के जो ले गया है। वास्को डी गामा भी एक बार नहीं आया भारत में, बार बार आया है और बार बार यहाँ से लूट के ले गया। और वास्को डी गामा जैसे बहुत सारे हैं, डुप्ले आया, एक फ्रांसीसी है, वो यहाँ से लूट के ले गया है। डुप्ले जब यहाँ आया है तो उसकी जेब में मुश्किल से 50 फ्रेंक है, फ्रांस की करेंसी फ्रेंक 50 मुश्किल से। और जब वो यहाँ से गया है
तो उसने काउंट किया है, उसके पास सोने के रूप में, चांदी के रूप में, हीरे जवाहरात के रूप में कम से कम 10 लाख फ्रेंक की संपत्ति है जब वो यहां से गया। एक डुप्ले, और डुप्ले जैसे भारत में 50 से ज्यादा फ्रेंच ऑफिसर्स आए हैं और वो लूट के ले गए हैं इस देश को। ये फ्रांसीसियों की लूटमारी जब बंद हुई है, उसके बाद ये अंग्रेजों की लूटमारी शुरू हुई है इस देश में, पुर्तगालियों की, फिर फ्रांसीसियों की, फिर अंग्रेजों की। और अंग्रेजों की लूटमारी करने वाले जो बड़े अंग्रेज अधिकारी इस देश में आए, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस देश को लूटा, उसमें है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का बयान मेरे पास है, 3.5 घंटे का उसका स्टेटमेंट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उसने दिया है। जब वो यहाँ आया है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क की हैसियत से आया, और क्लर्क की हैसियत से उसकी साल की पगार 50 ब्रिटिश पाउंड की है, साल की पगार 50 ब्रिटिश पाउंड की है। और साल की पगार 50 पाउंड की क्लर्क की हैसियत से जब यहां आता है रॉबर्ट क्लाइव, तो बाद में उस रॉबर्ट क्लाइव को जिम्मेदारी दी गई है अंग्रेज सेना के सेनापति की, और सेनापति की जिम्मेदारी के बाद वो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ता है। युद्ध में धोखा होता है सिराजुद्दौला को, मीर जाफर से दोस्ती करके वो सिराजुद्दौला के खिलाफ भड़काता है और सिराजुद्दौला की हत्या कराता है। और उसके बाद जो बंगाल का नवाब बनकर इंग्लैंड जाता है और उस इंग्लैंड की पार्लियामेंट में 3.5 घंटे का भाषण देता है, और उससे पूछा जाता है कि तुमने भारत से क्या क्या लाया है, तो वो कहता है कि मैं भारत से जो संपत्ति लाया हूँ वो कम से कम 1 करोड़ ब्रिटिश पाउंड के बराबर है। पहली बार जब वो गया है, आप शायद जानते हैं कि ये साधारण सा क्लर्क, ईस्ट इंडिया कंपनी का साधारण सा क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से वापस गया है पहली ही बार में, तो उसने इतनी संपत्ति बनाई है कि एक पूरा द्वीप खरीद लिया उसने, पूरा का पूरा द्वीप। और इतनी संपत्ति वो यहां से लेके गया कि उसने उसका म्यूजियम बनाया, और क्लाइव का म्यूजियम आज भी है, आप चाहें तो कभी जाके देखाइए, मैं देखाया। क्लाइव के म्यूजियम में आज भी वो सारे भारत के बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बहुत सारे सामान भरे पड़े हैं, जिनको कभी कभी नीलाम किया जाता है। थोड़े दिन पहले एक नीलामी हुई थी, क्लाइव के परिवार के लोगों ने 1 कप और 1 प्लेट को नीलाम किया था, जो 1 कप और 1 प्लेट सोने का 47,000 ब्रिटिश पाउंड में नीलाम हुआ अभी थोड़े दिन पहले। और उसी क्लाइव के खजाने में से हमारे देश के एक व्यक्ति विजय माल्या ने एक तलवार लाई, वो रॉबर्ट क्लाइव तो नहीं, जब टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा तो टीपू सुल्तान की संपत्ति लूट के अंग्रेज ले गए, तो उस संपत्ति में एक तलवार भी थी सोने की। वो तलवार अभी विजय माल्या लेके आए नीलामी में 1,000 पाउंड की। और एक बार एक ब्रिटिश म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो लंदन का है, उसके क्यूरेटर को मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भाई ये जो म्यूजियम है इंग्लैंड के और पूरे ब्रिटेन के, इन म्यूजियम में जो संपत्ति है उसमें सबसे ज्यादा कहाँ की है, तो उन्होंने कहा भारत की ही है। तो मैंने कहा ये वापस दे दो हमको, तो उन्होंने कहा अगर ये वापस दे देंगे तो भारत सोने की चिड़िया हो सकता है और हम सब सड़क पे आ सकते हैं, इतनी संपत्ति है। और वो संपत्ति के बारे में एक बार भारत की संसद में चर्चा हुई थी, और ये चर्चा भारत के पहले वित्त मंत्री ने की थी, सीडी देशमुख ने, जब पंडित नेहरू इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो सीडी देशमुख उनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, इस पे चर्चा हुई थी और बात यहां तक आई थी कि इसको वापस लाने के लिए क्या किया जाए, लेकिन बाद में वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। कारण क्या था, संसद में रिकॉर्ड्स हैं इस बात के, हमारी संसद में बात ये आई कि अंग्रेज इससे नाराज हो जाएंगे और हमें उन्हें नाराज नहीं करना, तो वो नाराज हो जाएंगे, हम उनसे वापस मांगेंगे संपत्ति, तो नाराज नहीं करना। तो हमने क्या किया, अंग्रेजों से संपत्ति तो अपनी वापस नहीं मांगी, अंग्रेजों से भीख मांगना शुरू कर दिया कटोरा लेके कर्ज के रूप में। और वो कर्ज बढ़ते 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 आज इतना हो गया है कि भारत की सरकार उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए कर्ज ले रही है। अगर वही संपत्ति हम वापस ले आते तो हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते थे, क्योंकि एक रॉबर्ट क्लाइव का अंदाजा आप लगाइए, 1 करोड़ पाउंड की संपत्ति वो ले जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव जैसे भारत में 50,000 अंग्रेज ऑफिसर आए 300-350 साल, एवरेज भी निकाला जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी संपत्ति यहां से गई है। तो इतनी भयंकर लूट इस देश की हुई है पिछले 500-700 हजार वर्षों में, उस लूट ने हमारे समाज में एक बीमारी पैदा कर दिया है, वो बीमारी है गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का।
क्योंकि जब समाज बहुत बड़े पैमाने पर लूटा जाता है तो उसकी समृद्धि में कमी आती है, और समाज की समृद्धि में कमी आती है तो उसके उद्योग, उसका व्यापार, उसकी सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाना शुरू हो जाती है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, आपके घर को कोई लगातार लूटे तो थोड़े दिन में आपका घर नहीं रहने वाला है। तो इस देश को लगातार लूटा गया तो कुछ रहने वाला नहीं था, तो सब कुछ खत्म हो गया, जो कुछ भी था संपत्ति के नाम पर वो गया। और ये संपत्ति जो हमारी चली गई लूट में, ये आई कहां से हमारे पास? इस पर मैंने थोड़ा अभ्यास करना शुरू किया कि इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात भारत में तो होते नहीं, भारत में तो सोना पैदा करने का काम कभी हुआ नहीं। अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में एक खदान मिली सोने की कोलार में, वो भी थोड़े दिन में बंद हो गई, वहां अब सोना वहां भी नहीं। चांदी भी भारत में बहुत नहीं आती है, जमीन के नीचे न ज्यादा सोना है न ज्यादा चांदी है। हीरे जवाहरात की खदानें भी बहुत थोड़े एरिया में है, मध्य प्रदेश में पन्ना नाम का एक जिला है, वहां पे थोड़ा बहुत हीरा निकलता है, अन्यथा तो ज्यादा नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना चांदी हीरा जवाहरात तो ये अफ्रीकी देशों के पास है, या तो थोड़ा बहुत है तो लैटिन अमरीकी देशों के पास है, या थोड़ा बहुत है तो एशियाई देशों के पास, हमारे पास तो है नहीं जमीन के नीचे। तो इतना सोना चांदी हमारे पास आया कहाँ से जो विदेशी इतना सब लूट के ले गए? तो पता चला कि क्या हम भी कभी किसी को लूटने गए थे? मेरे मन में एक बार ये प्रश्न आ गया स्वाभाविक रूप से कि ये विदेशी हमको लूटने आए, क्या हम भी कभी लूटने तो नहीं चले गए किसी को? हमारे यहाँ बड़े बड़े महान राजा हुए, सम्राट अशोक हुआ, शायद कहीं गया हो किसी को लूट के लाया हो, या रामचंद्र जी कभी चले गए हो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए दूसरों को लूट के लाने के लिए, या कभी कृष्ण चले गए हो दूसरों को लूट के लाने के लिए, हो सकता है भारत में कभी ऐसा हो गया हो कभी। तो इस विषय पर जब मैंने दस्तावेज ढूंढना शुरू किया तो आज तक 12-15 साल की मेहनत तो मैं कर चुका हूँ, एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जब भारत का कोई राजा किसी पड़ोसी को लूटने के लिए कभी गया हो। हाँ, दस्तावेज इस बात के जरूर मिले हैं कि भारत के बहुत सारे राजा पड़ोसियों को संदेश देने चले गए, धर्म की बात कहने गए, संस्कृति की बात कहने गए, सभ्यता की बात कहने गए, प्रेम मोहब्बत शांति की बात कहने गए, लेकिन लूटने के लिए तो भारत का कोई राजा आज तक गया नहीं। ये दस्तावेज तो दुनिया भर में कहीं नहीं है, गए ही नहीं तो दस्तावेज कहाँ से आएंगे? तो फिर मैंने सोचा कि फिर ये आया कहाँ से हमारे समाज में इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना वैभव? क्योंकि कोई समाज मंदिर सोने के बनाना शुरू करे तो ये तो तभी संभव है जब उस समाज में सरप्लस सोना हो। हमारे भारत में आपने सुना है सोने के मंदिर है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर का तो शायद आपने देखा भी होगा, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर तो एक है, ऐसे हजार से ज्यादा मंदिर आज भी हैं जहां किवाड़ सोने के हैं, दीवारों में चांदी जड़ी हुई है, हीरे जवाहरात आज भी लगे हुए हैं, इतनी लूट के बाद भी बचा हुआ है। तो कोई समाज सोने के मंदिर कब बनाएगा? जब समाज में इतना ज्यादा सोना हो जो जरूरत से बहुत अधिक हो, खुद इस्तेमाल करते करते हम परेशान हो जाएं, बच जाए तो सोने का फिर मंदिर बनेगा। तो इतना ज्यादा सोना हमारे समाज में कैसे आया, सोने की चिड़िया नाम कैसे पड़ा इस देश का? इस विषय पर जब मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला कि ये सारा का सारा सोना हमने ट्रेड करके कमाया, हमने किसी से लूट कर नहीं लाया, व्यापार किया हमने, उद्योग चलाए। और एक महत्व की बात कि भारत ने जब ये व्यापार किया दूसरे देशों से तो व्यापार किया, किन चीजों का व्यापार किया? तो अब तक हमने सुना है, बात भी हम करते रहे हैं कि कुछ हमारे मसाले हम बेचने के लिए जाते थे, स्पाइसेस, ये हमने सुना है, शायद इतिहास में पढ़ा भी है। मेरे मन में ये संतोष नहीं होता था कि खाली मसाले बेच के सोना कमा के लाते थे, ये कैसे हो गया? क्योंकि मसाले का व्यापार इतना बड़ा दुनिया में कब से होने लगा? मसाला खाना अरब देशों ने थोड़ा, अरब देशों की जो जनता है वो थोड़े मसाले खाती है, और थोड़ा बहुत लैटिन अमेरिका में, वो भी बहुत थोड़ा इलाका, यूरोप में तो कोई मसाला वसाला नहीं खाता। तो क्या इतना मसाला हमने बेच लिया कि इसमें से सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे हो गए सारे? तो पता चला कि हम सिर्फ मसाला ही नहीं बेचते थे, हम बहुत कुछ और दूसरा भी बेचते थे। जब दस्तावेज मैंने इकट्ठे करना शुरू किया तो पता चला मसाला जितना हम बेचते थे उससे कई गुना ज्यादा स्टील बेचते थे दुनिया के देशों को। स्टील बनाना भारत में 11वीं शताब्दी से चालू है, 11वीं शताब्दी से स्टील बनाना चालू है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, और 11वीं शताब्दी के पहले भारत में स्टील बनता रहा अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से। इसमें थोड़ा फर्क करूं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड माने क्या? 11वीं शताब्दी से भारत के बहुत सारे कारीगरों द्वारा मिलकर छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स भारत में 10,000 से ज्यादा स्थानों पर हैं। 11वीं शताब्दी के पहले इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट्स,
एक घर में एक परिवार के 50-60 लोग, पहले आप जानते हैं कंबाइंड फैमिली थी भारत में, न्यूक्लियर फैमिली तो अभी आई है हिंदुस्तान में जब से अमेरिका और यूरोप का असर ज़्यादा हुआ, उसके पहले तो भारत में कंबाइंड फैमिली है, संयुक्त तो परिवार है। तो एक परिवार में 20-25-30-50-60 लोग हैं, वो मिलकर कई परिवार हैं जो लोहा बनाते हैं, स्टील बनाते हैं और लोहे की कई क्वालिटीज़ बनाते हैं। दस्तावेज जो मिले हैं मुझे, वो दस्तावेज ये बताते हैं कि भारत में लोहे का उत्पादन बहुत वर्षों तक दुनिया में सबसे अधिक होता था और हिंदुस्तान का लोहा दुनिया के सभी देशों में जाता था और हिंदुस्तानी लोहे से ही दुनिया के तमाम देशों में कंपनियां पानी के जहाज बनाती थी जिससे वो व्यापार करने के लिए जगह जगह जाती थी। हमारे देश में जब से ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे प्रोडक्शन शुरू हुआ तो 1840 तक के दस्तावेज हैं, उसके बाद के दस्तावेज अभी तक मिले नहीं है, मिल जाएंगे तो उनकी भी बात कर सकूंगा। अप टू 1840 भारत में 10,000 प्रोडक्शन यूनिट्स थे स्टील बनाने वाले, अप टू 1840। और 1840 हमारा कोई अच्छा समय नहीं है, बहुत गिरा हुआ समय है, जब 800 साल हम लुटते रहे तब इतने प्रोडक्शन यूनिट्स बचे हैं। तो जब हमारा गोल्डन पीरियड रहा हो तो कितना रहा होगा। और जो क्वालिटी का लोहा, आयरन, स्टील, जो भी आप कहिए, हम बनाते थे, उसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, चाहे तो प्रमाण भी देख सकते हैं, वो इस क्वालिटी का होता था कि उसमें जंग नाम मात्र भी नहीं होता था। सैकड़ों सैकड़ों साल वो लोहा खुले में पड़ा रहे, बारिश भी होती रहे, धूप भी गिरती रहे, हवाएं भी आती रहे, तो भी उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना लगे। अभी तत्काल देखना हो तो दिल्ली चले जाइए, मेहरौली नाम का गांव है, वहां पर लौह स्तंभ देख लीजिए। और दिल्ली में मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, ऐसे दक्षिण भारत में कई मंदिरों में लौह स्तंभ है जो मेरी आंखों से मैंने देखे, इस क्वालिटी का लोहा। और भारत के लोहे के क्वालिटी की चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में 23-24 साल होती रही है। एक हीथ नाम का अंग्रेज अधिकारी है जो एमपी बना है बाद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, बाद में भारत भी आया है और इंडियन आर्मी का बहुत समय तक कर्नल रैंक पे ऑफिसर रहा, बाद में कमांडर बना और कई कई, वो हीथ की लिखी हुई एक पुस्तक है, वो बहुत साल तक मिलती नहीं थी, आउट ऑफ प्रिंट, और मुझे लगता है वो जानबूझ के किया। उसमें उसने इंडियन स्टील इंडस्ट्री का पूरा वर्णन किया है। हीथ जो है 30 साल भारत में रहा है, 30 साल भारत में अनेक अनेक राज्यों में अनेक अनेक पदों पर उसने नौकरी की है। अपनी नौकरी के दौरान उसको स्टील बनाने में थोड़ा रस है, हीथ को, तो वो लिख रहा है और उसकी किताब पहले लंदन में छपी लेकिन आउट ऑफ प्रिंट हो गई, भारत सरकार ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया उस किताब को रीप्रिंट करने का। वो मुझे ऐसे ही एक व्यक्ति है जो मेरे इन सब काम से प्रभावित है, लंदन से कहीं से ढूंढ भाड़ के भेज दिया, वो हीथ की किताब में हीथ कह रहा है कि हमने 23 साल ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लोहे की क्वालिटी पर चर्चा की है और वो क्वालिटी दुनिया में बेजोड़, कोई ऐसा लोहा नहीं बना सकता जो भारत में बनता है। वो कहता है कि भारत के बाद दुनिया में एक ही देश है जो इस क्वालिटी का लोहा बनाने की ताकत रखता है, वो है चीन। और तीसरा वो कहता है कि थोड़ा बहुत लोहा बनाने की ताकत है वो डेनमार्क के पास है, हम तो सोच ही नहीं सकते हैं कि इस क्वालिटी का लोहा बना सके, एक अंग्रेज अधिकारी खुद लिखता है। अब वो कहता है कि हमें तो लोहा बनाने की टेक्नोलॉजी भी भारत से ही मिली है, जो कुछ हम यहाँ इंग्लैंड बनाते हैं वो सब कुछ हमने भारत से ही सीखा है। ब्लास्ट फर्नेस बनाना अंग्रेजों ने भारत से सीखा, लोहे के लिए ब्लास्ट फर्नेस आप जानते सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां पर लोहे का कच्चे माल को गलाया जाता है, तो गलाने के बाद ही फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। और वो कहता है कि जो इंडियन ब्लास्ट फर्नेस है इसमें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत आसानी से आ जाता है, इस क्वालिटी के ब्लास्ट फर्नेस बनाते हैं भारत से। और वो कहते हैं कि ये ब्लास्ट फर्नेस इतने हल्के हैं कि एक गाँव दूसरे गाँव बैलगाड़ी में रख के लाए जाते हैं, माने आप यहां आज चलाइए उस ब्लास्ट फर्नेस को कल दूसरे गांव में ले जाओ, समान चले। तो वो कहते हैं ये हिंदुस्तानी जहां जहां कच्चा लोहा मिलता है वो सभी गांव में रहने वाले आदिवासी लोहे बनाना जानते हैं और इनकी पीढ़ियों से लोहा बनाने का काम होता है, तो हम स्टील बनाते हैं, लोहा बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो सोना लाते हैं, ये है लोहा बेचकर सोना लाते रहे हैं। और एक दो साल नहीं सैकड़ों साल तक हरे लोहे का इस्तेमाल किया है, आज भी हिंदुस्तान का बना हुआ लोहा यूरोप के बहुत सारे स्थानों पर मिल जाएगा। आप में से कोई फ्रांस अगर कभी गया हो या आने वाले समय में जाने वाला हो तो आप एक जगह जरूर जाइएगा, फ्रांस में स्थान है लूव्र, बहुत बड़ा म्यूजियम है, हिंदुस्तान का लोहा वहां किस क्वालिटी का उस जमाने में बनता था जब लूव्र म्यूजियम बना है, लूव्र म्यूजियम में पूरा हिंदुस्तानी लोहा इस्तेमाल हुआ है। नोत्रदाम नाम का एक चर्च है फ्रांस में, वहां का सबसे फेमस चर्च नोत्रदाम चर्च में बिजली को अर्थ करने के लिए, ये जो बिजली बड़ा उसको अर्थ करने के लिए रॉड डाली गई है वो हिंदुस्तानी लोहे की, और नोत्रदाम चर्च सिर्फ हिंदुस्तानी लोहे की रॉड ही नहीं है, दीवार में आप जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत अद्भुत कर रही है पत्थरों को लोहे तोड़ने की, हमारे यहाँ कितने पुराने आप किले देखे हैं पत्थरों के, लेकिन एक पत्थर से पत्थर के बीच में लोहा लगा के उसको कस के बांधने की एक प्रक्रिया टेक्नोलॉजी भारत में विकसित हुई।
को पत्थरों में फिक्स कर देगा। आप कोणार्क मंदिर में जाइए, आपको दिखाई देगा, शिवाजी के सारे किले देख के आइए, आपको वहां दिखाई देगा। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए चूना तो लगता ही था, चूने के साथ लोहे के क्लैंप लगते थे, तो वो नोत्रदाम के चर्च में सारे के सारे लोहे के क्लैंप भारत के गए हैं, वो लगे हुए हैं, और चर्च के रिकॉर्ड्स में ये बात लिखी हुई है, लिखी गई है, और यहां तक लिखा हुआ है कि इस चर्च को बनाने वाले कारीगर भी भारत से आए, क्योंकि उस समय उनके यहां इतने अच्छी कारीगरी का काम करने वाले कारीगर नहीं थे। तो हम सिर्फ लोहा ही नहीं बेच रहे हैं, हम इसका माने बिल्डिंग बनाने में भी हमारी महारत रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भारत बहुत आगे रहा है। और भारत की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का अगर आप वर्णन देखना चाहें तो इस पे एक नहीं अब तो बीसियों किताबें हैं। हिंदुस्तान में उस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होता रहा जो कोई सोचना भी आज संभव नहीं है। आप कभी राजस्थान आइए, राजस्थान के किले देखिए, जयपुर के पास एक आमेर नाम का छोटा सा स्थान है, आमेर का किला आप देखेंगे तो वहां की छत को देखिए, रूफ को देखिए, बहुत लंबी लंबी रूफ बिना किसी सपोर्ट के खड़ी हुई है, ना कोई बीम है ना कोई पिलर है, अभी भी जीवित है। और ये आम्बेर रूफ दुनिया में इतनी पॉपुलर हुई है कि सभी जितने बड़े आर्किटेक्ट के इंस्टीट्यूट है पूरी दुनिया में, वो सब आम्बेर रूफ पढ़ाते हैं अपने विद्यार्थियों को, भारत को छोड़कर, भारत को छोड़कर। मैंने फ्रांस में देखा, जर्मनी में देखा, डेनमार्क में देखा, नीदरलैंड में देखा, उनके जो आर्किटेक्ट के बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो आमेर रूफ पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। भारत की यूनिकनेस है, भारत में नहीं है, उस पर चर्चा भी नहीं होती, बाद में नहीं। हमारे यहाँ बस इतना ही है कि आमेर का किला देखने जाइए तो वो जो गाइड है ना, वो एक वाक्य में आधे मिनट में आपको ये कह देगा कि ऐसे है, उसके आगे कुछ बात करो तो उसको भी नहीं मालूम कि भाई ये कैसे अजूबा है। आप कल्पना कर सकते हैं 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक हॉल है, और उसमें न कहीं कोई पिलर है और न कोई बीम है, कोई सपोर्ट नहीं, कैसे बना है? और आज का नहीं है, 800 साल पुराना है, 900 साल पुराना, 1000 साल पुराना। दुनिया में आज कोई कल्पना कर सकता है 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा हॉल बिना किसी पिलर के और बिना किसी बीम के बना के दिखा दे कोई? मैंने तो बहुत सारे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को पूछा है तो वो कहते हैं ये तो कुछ अजूबा है। और ये अजूबा भारत में करने वाले एक दो नहीं, हजारों लोग रहे अलग अलग समय पर अलग अलग इलाकों में। आमेर रूफ एक तरह की यूनिक हमारी वो रही है, टेक्निक रही है, जो दुनिया भर में हमने दी और बहुत सारे देशों ने उसकी नकल करके सीखा। इंग्लैंड में जिसको आर्किटेक्ट का जन्मदाता माना जाता है, उसकी लिखी हुई किताब अभी मैं पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, लिटनर करके एक बड़ा इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट है, वो कहता है कि हमने तो कंस्ट्रक्शन सीखा है भारत से, ये अलग बात है कि जिनसे हमने सीखा उन्हीं को हमने मार डाला, वो अपने ही किताब में लिख रहा है। हमने सीखा है भारत से, लेकिन ये अलग बात है कि हमने जिनसे सीखा उन्हीं को मार डाला, क्यों? सबूत नष्ट करने के लिए मार डाला। तो हुआ ये होगा कि भारत में इस तरह के जो विशेषज्ञ रहे होंगे, इनको ये पकड़ के ले गए होंगे, सीख लिया होगा, फिर उनको मार डाला होगा, ये तो उनकी पॉलिसी रही है पुरानी। तो इस तरह से, तो यहां से कंस्ट्रक्शन का इतना बड़ा काम होता है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी एक्सपोर्ट होता है। यहां से ब्रिक्स एक्सपोर्ट हुई है, दुनिया भर में ब्रिक्स बनाने की टेक्नोलॉजी दो ही देशों से गई है, एक तो चीन, दूसरा भारत, यही दो देश है जिन्होंने दुनिया भर को ब्रिक्स बनाना सिखाया। और चूने का इस्तेमाल जो सीमेंट से हजार गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसकी उम्र कम से कम 500 साल है, अधिक से अधिक 1500 साल है, सीमेंट की अधिक से अधिक उम्र 100 साल है, चूने की उम्र अधिक से अधिक 1500 साल है, वो चूने का काम इस देश में साधारण साधारण गांवों में होता रहा है। और खासकर जो जो इलाके में लाइमस्टोन मिलता है भारत में, वो सभी इलाके में ये होता है। आप कभी जाइए, बेस्ट क्वालिटी लाइमस्टोन मिलता है गुजरात में, गुजरात में भी जूनागढ़ के आसपास के एरिया में आप ढूंढेंगे, आपको बहुत सारे गांव मिलेंगे। वो गांव हिंदुस्तान में चूना बनाने वाले सबसे बड़े केंद्र रहे हैं 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, और वो चूना बना बना के बेचते रहे और बदले में सोना लेके आते रहे। तो हम लोहा बेचते थे, सोना बेच, ये चूना बेचते थे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ब्रिक्स बेचते थे हिंदुस्तान से, और क्या बेचते थे? कपड़ा बेचते थे। कपड़े की कहानी तो आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस क्वालिटी का कपड़ा बनता था, दुनिया भर के देश हमसे कपड़ा खरीदते थे। और इतना ही नहीं, 36 तरह के आइटम्स हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होते थे। ये जो एक्सपोर्ट है, इसके बदले में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात हमने लिए हैं,
और तब समाज में इतनी समृद्धि आई है। हमने किसी को लूट कर समृद्धि नहीं कमाई है, व्यापार करके समृद्धि कमाई है। और भारत के व्यापारी दुनिया भर में मशहूर रहे हैं दो बातों के लिए, एक बार जवान से कह दिया तो कुछ भी हो जाए पलटना नहीं है, ये भारत के व्यापारियों के बारे में दुनिया भर में कहा जाता है। जवान दे दी, बात खत्म हो गई, फिर रेट ऊपर हो जाए नीचे हो जाए सवाल ही नहीं उठता, घाटा उठा लेंगे लेकिन जवान वापस नहीं ले सकते। और भारत के व्यापारी इतने बड़े पैमाने पर सारा व्यापार मौखिक करते रहे हैं, ओरल, क्यों? विश्वास का प्रश्न। कह दिया है भारतीय व्यापारी ने तो यूरोप में माना जाता है कि भारत का व्यापारी अगर कह गया है तो घाटा खुद उठा लेगा, लेकिन खरीदने वाले को कोई घाटा नहीं होने वाला। इसलिए यूरोप में और अरब देशों में और अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा व्यापार भारतीय व्यापारियों से ही होता रहा, क्योंकि जवान के पक्के, बात कह दी तो फिर वे का सवाल ही नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, एक बार वचन दे दिया है तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। ये हमारे एथिक्स रहे हैं आज के जमाने में। चाइनीज लोगों से जरा व्यापार करके तो देख लीजिए, सवेरे का रेट शाम को थोड़ा भी चेंज हो गया ना तो आप ऊपर शीर्षासन कर लीजिए, या चाइनीज को छोड़िए, ताइवानीज लोगों से व्यापार करके देख लीजिए, अमरीकियों से करके देख लीजिए, ब्रिटिश लोगों से करके देख लीजिए, जरा सा रेट चेंज होते ही फिर वो किस तरह से ऊपर नीचे करना शुरू करते हैं। और यही देशों में लिखे हुए आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हिंदुस्तानी व्यापारी एक बार जवान दे दे तो पीछे नहीं हटने वाला। तो ये जो हमारी बात रही है क्वालिटी, इसको मानना चाहिए। इस क्वालिटी के कारण हम बहुत बिजनेस करते रहे, बदले में ये सब कमाया हमने, उससे ये सब समाज समृद्धशाली हुआ। अब जब इतना सब संपत्ति इकट्ठी हुई तो विदेशियों ने लूटने के लिए यहाँ आना शुरू किया, नहीं तो क्यों आएंगे। भारत में दो तरह के विदेशी आए, 10th century के पहले जो विदेशी आए वो ज्ञान लेने आए इस देश में, जैसे ताइवान से आए, चाइना से आए, जापान से आए, जिन्होंने बौद्ध धर्म यहाँ सीखा, फिर अपनाया, फिर लेके चले गए। वेनसांग का नाम आपने सुना, और भी ऐसे चेंग हो नाम का एक बड़ा चाइनीज है जो भारत में 14 बार आया है, आर्मी ऑफिसर है, नेवल ऑफिसर है, और इतना प्रभावित हुआ है कि भारत के कई राजाओं से उसने एग्रीमेंट किया है और वो भारत की नेवल सिक्योरिटी के काम में लगा रहा बहुत साल तक। चेंग हो अप टू 14th century भारत की पूरी ये कोस्टल बेल्ट की सुरक्षा एक चाइनीज एडमिरल करता रहा, उसकी आर्मी करती रही। वो प्रभावित हुए हैं भारत से, यहाँ से बुद्धिज्म उन्होंने लिया है। तो 10वीं शताब्दी के पहले कुछ लोग आए भारत में, वो आए हैं ज्ञान लेने, धर्म का ज्ञान बात है, अब अध्यात्म की बात है, ईश्वर प्राप्ति की बात है। कहते हैं कि सिर्फ जीवन में भौतिकता ही सब कुछ नहीं है, ईश्वर प्राप्ति भी उसका एक बहुत बड़ा दूसरा हिस्सा है, लक्ष्य है। तो यहाँ ये जो आध्यात्मिकता रही है, धार्मिकता रही है, इसके लिए भी बहुत सारे विदेशी आते रहे, लेकिन वो 10वीं शताब्दी के पहले। 10वीं शताब्दी के बाद जो विदेशी आए हैं वो मुख्यतः लूटने आए हैं, लुटेरे के रूप में आए। उसके पहले जो आए हैं वो अध्ययन करने आए हैं, अध्यापन करने आए हैं। ये जो अध्ययन और अध्यापन करने विदेशी आए हैं तो इसका माने यहाँ कोई अध्ययन अध्यापन के केंद्र रहे होंगे, नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि विदेशी यहाँ आए अध्ययन करने के लिए। तो जिस समय वेनसांग आया है, वो खुद लिख रहा है, वेनसांग की राइटिंग्स हैं, चाइनीज में उपलब्ध है, अभी उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ गया। वो कहता है कि जब मैं भारत गया अध्ययन करने के लिए, सीखने के लिए, उस समय भारत में 14 विश्वविद्यालय चलते थे वेनसांग के टाइम में, 14 विश्वविद्यालय, तक्षशिला एक है, नालंदा एक है, तपोवन एक है। वो टाइम में आपको मालूम है गुजरात में एक विश्वविद्यालय था नड़ियाद में, जब वेनसांग भारत आया था। नड़ियाद में एक यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला में है, नालंदा में है, कुशीनगर में है, पटना के पास एक जगह है आरा, वहां पर है। ऐसे 14 स्थान का वर्णन वो कर रहा, और वो कह रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में 10,000 से कम विद्यार्थी नहीं, और वो कहता है कि 10,000 विद्यार्थियों को व्यवस्था करने वाला जो होता है उसी को भारत में कुलपति कहते हैं, जो दुर्भाग्य से आज वाइस चांसलर हो गया हमारे। ये वाइस चांसलर कुछ अलग चीज है और कुलपति कुछ अलग चीज है। हमने तो रेड़ मार दिया ना अपने देश की भाषा और शब्दों का अंग्रेजी के साथ इक्वेट कर करके। वाइस चांसलर अलग शब्द है, कुलपति अलग। तो वेनसांग कह रहा है कि कुलपति भारत में वो होता है जो 10,000 विद्यार्थियों की व्यवस्था कर सके, और ऐसे 14 विश्वविद्यालय हैं जिनमें कम से कम 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और उनका एरिया बता रहा है कि एक विश्वविद्यालय का एरिया कितना है, कमरे कितने हैं,
और उनमें क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, 18 विषय पढ़ाए जाते हैं जिनका वो वर्णन कर रहा है। और वो कहता है हर एक विश्वविद्यालय की अपनी विशेषता है, कोई मिलिट्री एजुकेशन में एक्सपर्टाइज देता है, कोई मिलिट्री ट्रेनिंग में एक्सपर्टाइज देता है, कोई स्ट्रेटेजी के लिए एक्सपर्ट्स बनाता है, कोई वेद और पुराण में पारंगत बनाता है। ऐसे 14 विश्वविद्यालय का वर्णन आंखों देखा वेन सांग की डायरी का, जो चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी थोड़े दिन पहले पब्लिश की है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, उसमें से तो मैंने पढ़ लिया, देख लिया। और सिर्फ वेन सांग नहीं, चेंग हो कह रहा है 14th सेंचुरी में जब आया, वो कहता है कि मैं भी देखता हूं कि एजुकेशन बहुत अच्छा है भारत में। और 1840s में ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऑर्डर पर एक सर्वे किया गया भारत में, वो सर्वे का रिपोर्ट भी है 200 पन्ने का, वो रिपोर्ट मैं यहां लाया हूं। आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो फोटो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो मेरी सीडी ले सकते हैं, सीडी से कॉपी कर सकते हैं। वो रिपोर्ट बताती है अप टू 1840s भारत देश में 7,32,000 स्कूल, भारत में, टोटल भारत में, पूरा भारत, उस जमाने का भारत, आप कहते हैं मैंने पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है, बांग्लादेश भी उस समय भारत का हिस्सा है, और बर्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है। तो अप टू 1840s भारत में 7,32,000 स्कूल, 11,377 कॉलेजेस हायर स्टडीज के भारत में है अप टू 1840s, माने भारत का जब सबसे गिरा हुआ समय है 1840। और मैंने जब ये पता करने की कोशिश की कि ये 7,32,000 जो स्कूल हैं ये है कहाँ, तो पता चला कि लगभग उतने ही गांव हैं उस समय भारत में जितने स्कूल हैं, माने हर गांव में एक स्कूल है। और एक अंग्रेज अधिकारी जिसने ये सर्वे किया उसका नाम है W.G. लिटनर, वो लिख रहा है कि 96% लिटरेसी रेट है भारत में अप टू 1840s, और वो कह रहा है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट भारत में साउथ में है, दक्षिण जिसको हम कहते हैं, पहले वो मद्रास प्रेसिडेंसी था, आज उसके 4 हिस्से हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और केरल, पहले ये मद्रास प्रेसिडेंसी, तो अगर मद्रास प्रेसिडेंसी में तो लगभग 100% लिटरेसी रेट है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज उसने किया बाय माइक्रो सर्वे है, बहुत बहुत माइक्रो लेवल, और सर्वे में उसने बताया कि कितने विद्यार्थी हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि लड़के और लड़कियों का परसेंटेज लगभग बराबर है अप टू 1840s, 54% लड़के हैं और 46% लड़कियां हैं स्कूलों में। हायर लर्निंग स्टडीज के जो सेंटर हैं 11,000 से ज्यादा, वो कह रहे हैं कि इसमें भी परसेंटेज लगभग बराबर है, माने शिक्षा ये है। और वो कह रहा है कि ये शिक्षा किसकी दे रहे हैं, तो वो कह रहा है कि ये शिक्षा जो है ऐसी शास्त्रों की है जो जीवन के काम आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं हम अप टू 1840s, फिजिक्स पढ़ाते हैं हम, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं 1840s में इस देश में, जो आज कोई कल्पना नहीं करता, स्कूल में तो कोई कल्पना नहीं करता कि उसको एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाया जा सकता, यहां पढ़ाया जाता है इस देश में, कंस्ट्रक्शन के लिए काम इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। और वो लिटनर कह रहा है कि भारत के इन स्कूलों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के बाद करते भी हैं, उसको जो पढ़ाया गया उसको सीखते हैं और फिर करते हैं। वो एक उदाहरण दे रहा है कि भारत में 1840s के आसपास और उसके पहले जितने भी डैम्स बने हैं वो भारत के गुरुकुल के विद्यार्थियों ने बनाए। आपको कल्पना हो सकती है कि दुनिया का सबसे पहला डैम भारत में बना 12th सेंचुरी में, 1230 में, दुनिया का सबसे पहला डैम भारत में बना 1230 में, और ये डैम बना है तंजावुर में कावेरी नदी पर, आप आज जाइए वो खड़ा है अभी भी, डैम खत्म नहीं हुआ है। उस डैम की विशेषता क्या है, आप में से कोई भी अगर तमिलनाडु के होंगे तो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आएंगे, नहीं है तो कभी एक बार देख आइए। नेहरू जी ने भाखड़ा नागल बांध को भारत का मंदिर कहा था, उनकी ही बात में कहूं तो भारत का वो सबसे बड़ा मंदिर है जो तंजावुर में बना है, कावेरी नदी पर है। उसकी विशेषताएं क्या है, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो दुनिया का पहला डैम है, दुनिया का पहला डैम है, कोई देश ने उसके पहले डैम नहीं बनाया। एक दूसरी विशेषता ये है कि वो डैम बनाने के समय नदी के प्रवाह को रोका नहीं गया, जो आज कोई सोच नहीं सकता, और इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, आप जाएंगे तमिल में लिखा, एक पत्थर लगा हुआ है उस पे खुदा हुआ है, वो तमिल में है, मैंने उसका हिंदी कराया, अंग्रेजी कराया, उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि ये बांध बनाते समय नदी के पानी को रोका नहीं गया। आजकल क्या होता है, डैम बनाने के लिए आप कुछ भी शुरू करते हैं, इधर पानी रोकते हैं, इधर पानी रोकते हैं, बिना पानी रोके डैम बनाए। और वो ये कहते हैं कि चूंकि बहते हुए पानी पर हमने ये डैम बनाया, इसलिए इसका शेप दुनिया में यूनिक है, माने उसके शेप का दूसरा कोई डैम दुनिया में नहीं है,
शेप क्या है, वो zigzag शेप का डैम, जेड होता है ना जेड, इस शेप में वो डैम बना हुआ है कावेरी नदी पर तंजावुर, अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने बहुत सोचना शुरू किया कि इन लोगों ने ये जेड क्यों बनाया, ये एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में, जैसे आज हमारे यहाँ परंपरा है भाखड़ा नांगल डैम को देखो या हीराकुंड को देखो, एक सीधे स्ट्रेट लाइन में दीवार खड़ा कर दी पानी रोकने के लिए, इन्होंने सीधी दीवार क्यों नहीं खड़ी की जिगजैग शेप में, क्योंकि तो जो हमारे देश में इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय रुड़की में, जो बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज है जिनके पास ये डैम बनाने का, वहाँ के कुछ इंजीनियरों को मैं पूछने गया तो उन्होंने कहा ये कॉमन सी बात है समझने की कि जब आप सीधी स्ट्रेट लाइन में डैम बनाते हैं और नदी का बहाव बहुत तेज होता है तो उसके टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि प्रेशर बहुत है, लेकिन जब आप इसको जेड शेप में बनाते हैं तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर दीवार पे, तो टूटने की संभावना ना के बराबर है। मैंने इतनी अकल डैम बनाने में 12वीं शताब्दी के भारतवासियों को है। आज के हमारे इंजीनियर्स वो डैम नहीं बना पाते, वो सोच भी नहीं पाते। और जो डैम ये बना है 1230 में वो आज तक सुरक्षित है, उसकी दीवार में कहीं एक क्रैक नहीं है, और उसमें दो ही चीजें इस्तेमाल की गई है, चूना और ब्रिक्स, पतली वाली ईंट लगी है उसमें, पत्थर भी नहीं है, पतली ईंट है और चूना है, उसी से जोड़ के बना है बिना पानी को रोके हुए, जेड शेप में है ताकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। माने बहुत ऊंची टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में हमारे पास रही है। फिर मैंने जानने की कोशिश की कि ये जो विदेशी आए हैं अध्ययन करने के लिए, एक चाइनीज है हिंदुस्तान में चेंगो, वो कहता है कि मैंने भारत में आके ये जो विद्या है जिसको इनोकुलेशन कहते हैं, माने टीका लगाना, वो कहता है हमने भारत में आके सीखी। तो 14th सेंचुरी में चेंगो कह रहा है इस बात को, तो 14th सेंचुरी में इनोकुलेशन कहाँ कहाँ होता था भारत में, ये पता लगाने की कोशिश की, तो पता चला इनोकुलेशन का टेक्निक सिखाने वाले भारत में 23 इंस्टीट्यूशन थे 14th सेंचुरी। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश। फिर मुझे और इंटरेस्ट आया तो और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो पता चला कि ये सिर्फ इनोकुलेशन ही नहीं सिखाते थे, बहुत कुछ सिखाते थे। भारत देश में 14th सेंचुरी में राइनोप्लास्टी सिखाई जाती थी, कोई कल्पना कर सकता है, सर्जरी की जो लेटेस्ट विद्या है आज के समय, राइनोप्लास्टी जो लेटेस्ट है आज के समय, वो भारत में 14th सेंचुरी में थी। और एक दो विश्वविद्यालय में, कई विश्वविद्यालय उसके लिए पारंगत थे। तो हेल्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत बहुत आगे है। और सर्जरी के बारे में तो सारी दुनिया मान चुकी है कि दुनिया में सर्जरी का फैलाव भारत से ही हुआ है। फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये जो सर्जरी सिखाने वाले कॉलेजेस हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या इस्तेमाल करते होंगे सर्जरी के, तो उनकी मैं लिस्ट बना रहा हूँ आजकल, वो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बना। तो अब तक मेरी लिस्ट में 317 इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, लिस्टिंग कर रहा हूँ मैं नाम के साथ कि क्या इंस्ट्रूमेंट किस काम के लिए है। पेट में कट लगाना है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है, किस क्वालिटी की स्टील इसमें लग रही है, नाम क्या है उसका, संस्कृत नाम क्या है और स्थानीय भाषा में उसका नाम क्या है। तो ऐसे 317 इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं सर्जरी में, माने कोई साधारण बात नहीं है। फिर बाद में पता चलता है कि ये जो सुश्रुत का विज्ञान है पूरा, सुश्रुत शास्त्र, वो तो आज से बहुत साल पहले लिखा गया, कम से कम 2500 साल पहले की डेटिंग है उसकी। तो ये सुश्रुत का शास्त्र अगर उस समय लिखा जा रहा है और सर्जरी का सबसे बड़ा शास्त्र भारत में माना जाता है, तो शायद उस जमाने में भी रहा हो जब 14th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, 1840s के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हो सकता है 2000 साल पहले भी रहा ही हो। और फिर बाद में पता चलता है कि हम महाभारत की जब चर्चा करते हैं ना, तो महाभारत में एक प्रसंग है जो आप सब जानते हैं, लेकिन उस पर ध्यान देकर हम कभी चिंतन करें कि महाभारत में कौरव 100 हैं और सब एक ही शक्ल के। कैसे? मेरी दादी माँ मुझे महाभारत की जब भी कहानी सुनाती थी तो वो कहती थी 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, सब कौरव एक ही शक्ल के थे। तो मैं दादी को यही पूछता था कि सबकी शक्ल एक जैसी कैसे हो सकती है। और ये बात मैंने दादी से कही तो दादी ने कही, उसकी माँ ने उसको कही, उसकी माँ को पूछो तो उसने किसी से सुना, तो ये सुनते सुनते चला आया है। इसका आधार क्या है? 100 के 100 कौरव एक जैसे, लंबाई भी एक जैसी, चौड़ाई भी एक जैसी, चेहरे का हाव भाव सब एक जैसा, हाथ पैर सब एक जैसे, ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब कोई क्लोनिंग टेक्नोलॉजी इस देश में रही होगी, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी
और हम अब तो मान चुके हैं महाभारत अब सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, वो प्रूव हो चुका है। 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, ये सभी ने मान लिया है। रामचंद्र जी के समय में लंका पर पुल बनाया गया था, ये अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया, नासा ने। उनको अभी एक दीवार मिली है जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये वही दीवार है, और उसका डेटिंग किया गया है तो वो त्रेता युग का डेटिंग निकलता है जो रामचंद्र जी का समय है। तो ये सिर्फ माइथोलॉजीज नहीं है, हिस्ट्री है। और अगर ये सब रहा इस देश में तो इसका माने भारत सच में महान देश था। अगर इन सब का कुछ कंक्लूजन करें तो महान देश था, और हमारी महानता क्या थी, यही सब हमारी महानता रही है। लेकिन हम इस महानता को जान सकें, इससे हम वंचित रहे, क्योंकि हमने जो इतिहास पढ़ा है वो अंग्रेजों का लिखा हुआ पढ़ा है। और अंग्रेजों का इतिहास जिस व्यक्ति ने लिखा है, जेम्स मिल, वो खुद कहता है कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है तो इनको गलत इतिहास ही बताना पड़ेगा, ये अगर अपना सही इतिहास जान लेंगे तो गुलाम ही नहीं होंगे। और जेम्स मिल से आगे बढ़कर मैकॉले कहता है अपनी चिट्ठी में, जो उसने बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी रेवेन्यू को लिखी है, उस चिट्ठी का कॉपी है मेरे पास, मेरे सीडी में, वो लिख रहा है मैकॉले कि भारत के लोगों को गलत इतिहास बताना है, गलत भूगोल पढ़ाना है, गलत अर्थशास्त्र पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि गलत लोग हम भारत पर राज कर रहे हैं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। वो अपने सेक्रेटरी को लिख रहा है जो सबसे बड़ा अधिकारी है उस जमाने, वो कह रहा है भारत के लोगों को गलत इतिहास पढ़ाना, गलत भूगोल पढ़ाना, गलत अर्थशास्त्र पढ़ाना, गलत कृषि शास्त्र पढ़ाना। क्यों? क्योंकि हम जैसे गलत लोगों के हाथ में इस समय भारत है, तो इनको सही तो कुछ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अगर ये सही पढ़ने लगे, सही जानने लगे, तो ये तो हमारे कब्जे में आने से रहे, इसलिए इनको सब कुछ गलत पढ़ाना। तो वो सब कुछ गलत पढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने जो कुछ किया है वो एक अद्भुत काम, एक कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम इस देश में डाल दिया, जो अंग्रेजों के समय बहुत छोटा मोटा था और अब अंग्रेजों के जाने के बाद इतना बड़ा हो गया है कि भारत में अभी कोई छोटा सा गांव नहीं है जहां पर कॉन्वेंट स्कूल ना हो। अब तो भारत में बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल है। हाँ, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मुंबई में ग्रांट रोड के स्टेशन के पास बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल है। कॉन्वेंट स्कूल होगा, हाँ, भगवान कृष्ण कॉन्वेंट स्कूल भी कहीं मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो राम के नाम पे भी मिले। और उसको चलाने वाले व्यक्ति को मैंने पूछा कि ये बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है बजरंगबली और कॉन्वेंट का, तो उसको नहीं मालूम। तो अंग्रेज कभी छोड़कर गए जो कॉन्वेंट स्कूल, वो आज इतने हो गए हैं हिंदुस्तान में कि हर गली कूचे में, और उन कॉन्वेंट स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो वही है जो मैकॉले लिखकर छोड़ गया, गलत इतिहास, गलत भूगोल, गलत अर्थशास्त्र, गलत शिक्षा शास्त्र, सब कुछ। और दुर्भाग्य से हमारे बच्चों को हम उनमें भेजकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको भारत के बारे में एक बात तो बहुत दावे से कह सकता हूँ, एक्सेप्शन को छोड़कर भारत के कॉन्वेंट के पढ़े हुए विद्यार्थियों ने भारत में कुछ भी खड़ा नहीं किया आज तक। और जो विद्यार्थी भारत में कभी कॉन्वेंट में पढ़ने नहीं गए, साधारण म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में पढ़े, या कभी स्कूल ही नहीं गए, उन्होंने 60,000 करोड़ के एम्पायर खड़े किए हैं भारत। आप किसी का भी स्टडी कर लीजिए, धीरूभाई अंबानी का स्टडी कर लीजिए, बिरला जी का स्टडी कर लीजिए, 4 क्लास पास करके निकल गए राजस्थान के झुंझुनू जिले से, और वो बिरला जी के नीचे दुनिया भर के पीएचडी होल्डर्स और एमटेक होल्डर्स काम करते हैं 10-20 हज़ार की नौकरी पे। धीरूभाई अंबानी का कहानी हमारे सामने है, जमशेद जी टाटा की कहानी आप सुन लीजिए, जमशेद जी टाटा के बाद की पीढ़ी की बात नहीं करता, जमशेद जी टाटा की बात करता हूँ जो नवसारी से निकले, और आप देखिए उनकी, जिन लोगों ने कभी कॉन्वेंट का मुंह नहीं देखा, जो कभी स्कूल में भी नहीं गए, जिनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ, उन्होंने हजारों करोड़ के एम्पायर खड़े किए हैं। उनमें से एक भरत भाई है जो बड़े गर्व से कहते हैं मैं कभी स्कूल नहीं गया। भरत भाई की जिस बात से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ उनकी ये बात, वो बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो कभी स्कूल नहीं गया। और आप भरत भाई की क्वालिटीज जानते हैं, वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कम नहीं, फंक्शनल नॉलेज उनको इतना है
कि वो किसी भी अच्छी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं और उससे भी बड़ी इंडस्ट्री को रन करने की कैपेसिटी है, और ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको भारत में। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ कि अंग्रेजों के दिए गए कॉन्वेंट स्कूलों में से जो निकले हुए लोग हैं, उन्होंने कभी देश में ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया जो गर्व करने लायक हो कि देखो हमने ये कर दिया। ना तो बेसिक रिसर्च में कुछ किया आज तक, ना कोई बेसिक रिसर्च में किया, नहीं तो ICS जैसी नौकरी में जाकर कोई ऐसा काम किया जो गर्व करने लायक हो। जो ICS ऑफिसर ने भारत में कुछ गर्व करने लायक काम किए भी हैं, वो सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में से पढ़कर गए हुए ICS ऑफिसर। ना कोई ऐसा इंजीनियरिंग का काम किया जिस पे हम गर्व कर सके। हाँ इतना जरूर है कि ये कॉन्वेंट स्कूलों से निकले हुए भारत के विद्यार्थियों ने बंधुआ मजदूरों की उस प्रथा को पुनर्जीवित कर दिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम पर, जो कभी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी इस देश में। अंग्रेज थे ना इंडेंचर्ड लेबर यहाँ से लेके जाते थे, वैसे ही अब भारत में एक नई पौध बन रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो सब गुलामों की तरह से जाकर अमेरिका और यूरोप में काम कर रहे हैं, कोई गर्व का काम नहीं कर रहे। और उनसे जब मैं कहता हूँ कि भैया तुम सब सॉफ्टवेयर पे इतना क्यों लगे हुए, हार्डवेयर पे बात क्यों नहीं करते, अगर मास्टरी करनी है कंप्यूटर की तो हार्डवेयर पे जाना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर तो कुछ भी नहीं है, उस पे बात क्यों नहीं करते, उस पे काम क्यों नहीं करते, तो सिखाया नहीं गया। क्यों नहीं सिखाया गया, तुमको रखा ही गया इसके लिए कि जाके उनके कंप्यूटर ऑपरेट करो। तो जिनको हम कहना नहीं चाहते, लेकिन सही बात तो ये है कि हमने कुछ बॉडी शॉपिंग करने के लिए खड़े कर दिए हैं कुछ लोग, जो दुनिया के दूसरे देशों में जाके नौकरियां करते रहे और उनकी जी हजूरी करते रहे, जैसे कभी अफ्रीका में हमने किया है। तो अंग्रेज छोड़ गए जो कॉन्वेंटियन एजुकेशन सिस्टम, उसमें मैकॉली खुद कहता है कि मैं भारतवासी ऐसे पैदा करना चाहता हूं जो शरीर से भारतवासी हो, आत्मा से अंग्रेज हो। तो वही हमने पैदा किए, और दुर्भाग्य से उनकी जो पीढ़ी निकली है तो उनको ना भारत की समझ है, ना भारतीयता की समझ है, ना भारत की समस्याओं को वो जानते हैं, ना अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, ना अपनी परंपराओं को जानते हैं, ना अपनी संभावनाओं को तलाश पाते हैं। वो हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं मदद के लिए, अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। अपनी तरफ देखना, अपने पैरों की तरफ देखना, अपनी जमीन की तरफ देखना उन्होंने बंद कर दिया। और उनके बारे में बात करते करते हम हमेशा अफसोस करते रहते हैं। हमें हमेशा अफसोस होता है कि हमारे बच्चों को गुजराती नहीं आती है, कोई कहता हमारे बच्चों को तमिल नहीं आती है, कोई कहता मलयालम नहीं आती है, कोई कहता तेलुगु नहीं आती है, अंग्रेजी आती है, फ्रेंच भी आती है, जर्मन भी आती है, लेकिन तमिल, तेलुगु, मलयालम नहीं आती। भरत भाई कह रहे थे कि उनके नाती को 67 बताना पड़ता है, 67 नहीं मालूम, उसको 67 बताना पड़ता है। 67 वो नहीं जानता है, 67 क्या होता है, 79 नहीं जानता, 79 बताना पड़ता है, 89 और 79 का फर्क बताना पड़ता है। तो अफसोस हम करते रहते हैं क्योंकि निकली है वो पीढ़ी, और उसमें उस पीढ़ी का कसूर नहीं है, उसको जो शिक्षा दी गई है वो वही है जो मैकॉले छोड़ के गया। और मैकॉले खुद कह रहा है कि भारत में हमें इंजीनियर पैदा नहीं करने, डॉक्टर नहीं बनाने, साइंटिस्ट नहीं बनाने, हमें कारकुन बनाने हैं। एक शब्द उसने इस्तेमाल किया, कारकुन, कारकुन माने क्लर्क। तो क्लर्क पैदा करने के लिए वो छोड़ गया। दुर्भाग्य से वही भारत की आजादी के 57 साल के बाद भी चलती रही। तो भारत का इतिहास क्या रहा है, एक छोटे में मैंने आपको बताया, और समस्याएं क्या हैं अब इसमें से निकलती हैं। इतिहास ये बताता है कि हम इतनी समस्याओं से घिरे हुए कभी नहीं रहे जो आज हैं। और ये समस्याएं आई कहाँ से हैं, ये मैंने आपसे कहा कि किस तरह से आई हैं इस देश में। विदेशियों के या तो गुलाम हुए, या उनकी लूट के शिकार हुए, या उनकी संस्कृति और सभ्यता में फंसे, तो समस्याएं पैदा हुई हैं। और समस्याएं वही होती हैं जहां तंत्र अपना हो, बुद्धि विदेशी हो। हमारे यहाँ तंत्र तो अपना रहा है जिसको हम चलाने की कोशिश करें, लेकिन बुद्धि हमारी वो है जो भारत के किसी भी समस्या से अपने को जोड़ नहीं पाती है, कोरिलेट नहीं कर पाती। हम भारत में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पर रिसर्च किया जाए, लेकिन कभी इस बात पे गर्व नहीं आता कि 6,32,000 गांव में जो गाय का गोबर उपलब्ध है, इस गाय के गोबर का भी कोई सदुपयोग हो सकता है क्या आज की जरूरत के हिसाब से। चंद्रमा से आए हुए पत्थर पे अगर हमने कुछ रिसर्च कर भी लिया तो उससे भारत के आम आदमी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन गाय के गोबर पे कोई रिसर्च हो गया तो जरूर 6,32,000 गांव के काम का हो सकता है। उस पे हमारा दिमाग ही नहीं जाता है, चिंतन भी नहीं चलता है। मंगल पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बहस होगी, डिबेट होगी, लेकिन गाँव गाँव में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। 3 लाख ऐसे गाँव है जहाँ पीने का पानी लेने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी क्यों इवॉल्व नहीं होती, इस पे हमारा दिमाग नहीं चलता।
हुआ यही है कि हम अपनी जड़ों से कट गए हैं, हमारी हालत त्रिशंकु जैसी है, ना तो ऊपर गए ना तो नीचे रहे, और हम हिंदुस्तानी अगर पूरे अमरीकी हो जाते, यूरोपियन हो जाते तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, ना तो हम अमरीकी हो पाए ना यूरोपियन हो पाए ना हिंदुस्तानी ही रह पाए, खिचड़ी हो गया, बीच में लटक गए। 100% अगर यूरोपियन हो जाते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती और मैं आपके पास नहीं आता कभी बात करने, और या 100% हिंदुस्तानी रह जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेते, हम तो बीच में फंस गए, ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। वो एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वही हमारी हालत हो गई है, खासकर पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की ये स्थिति है। समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। बड़ी समस्या आ गई है करप्शन की हमारे देश में, एजुकेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम है, 40% अभी भी इलिटरेट लोग हैं, जबकि 1840s में 96% लिटरेसी इस देश में है, रिकॉर्ड्स बताते हैं, अंग्रेज स्वीकार करते हैं। टेक्नोलॉजी में हम कितने ऊपर हैं, और आज टेक्नोलॉजी के लिए मारामारी हो रही है, विदेशों की तरफ हम भाग रहे हैं कि हमें कोई टेक्नोलॉजी मिले तो हम अपना कुछ काम करें। एक ज़माने में इतना बड़ा ट्रेड करने वाले लोग, इतना बड़ा एक्सपोर्ट करने वाले लोग आज दुनिया में एक्सपोर्ट के लिए मारामारी कर रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट में आज हमारा टोटल एक्सपोर्ट 0.1% के आसपास, 0.2%, 0.3% होता है, अभी थोड़ा बहुत बड़ा है 0.5% आ गया, 1% अभी भी नहीं हो रहा है। और आज से 150 साल पहले हम 33% एक्सपोर्ट करने वाले देश थे, 27% एक्सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट में चीन करता था, 33% हम करते थे। चीन और भारत का जीडीपी जोड़ दिया जाए 150 साल पहले का, तो वो दुनिया के 3/4 जीडीपी के बराबर है 150 साल पहले। तो इतनी क्राइसिस हमारे देश में आज दिखाई देती है, ये क्राइसिस आई है यहीं से, और वो क्राइसिस के बारे में 2-3 बातें कह के फिर सोल्यूशन पे आऊंगा कि क्या क्राइसिस यहाँ से पैदा हुई। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हिंदुस्तान को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए कई कानून बनाए, जिस पर मैं पिछली बार आया था, बहुत विस्तार से मैंने बताया था। अंग्रेजों ने भारत का अर्थशास्त्र और उद्योग खत्म करने के लिए एक बहुत सुंदर काम किया, सुंदर काम उनके शब्दों में, हमारे लिए खराब काम। वो कहते हैं कि अंग्रेज एक अधिकारी है विलियम विल्वरफोर्स, वो पार्लियामेंट का स्पीकर है और भाषण दे रहा है और कह रहा है कि भारत को 1000 साल गुलाम बनाना है तो पहले भारत का उद्योग खत्म करो, उद्योग खत्म करने के बाद राजनीतिक शक्ति खत्म करो, और ये खत्म करने के बाद संस्कृति खत्म करो। तो कोई उसको पूछता है विल्वरफोर्स को, विल्वरफोर्स का 3.5 घंटे का लेक्चर है, वो भी CD में है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। वो लेक्चर में कह रहा है विल्वरफोर्स के उद्योग भारत के खत्म करने हैं तो सबसे पहला काम करो कि ज्यादा से ज्यादा उस पर टैक्स लगा दो। तो कोई पूछ रहा है क्या क्या टैक्स लगाए, तो बड़े सुंदर शब्दों में कह रहा है कि देखो भारत का कोई भी उद्योगपति कुछ भी उत्पादन करे तो सबसे पहले उत्पादन पे ही टैक्स लगा दो। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला टैक्स लगाया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1840 में। फिर कह रहा है कि जो व्यक्ति उत्पादन करेगा वो माल जरूर बेचेगा, तो बेचने पर टैक्स लगा दो, तो दूसरा लगा दिया सेल्स टैक्स। फिर वो कह रहा है कि माल बेचेगा तो मुनाफा कमाएगा तो उसके मुनाफे पर टैक्स लगा दो, तो फिर लगा दिया इनकम टैक्स। फिर वो विल्वरफोर्स कह रहा है कि कोई भी हिंदुस्तानी उद्योगपति माल बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा तो जिस गांव में जाएगा गांव में घुसते ही टैक्स लगा दो उसके। फिर वो कहता है कि गांव में आने जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करेगा तो उस सड़क का भी टैक्स लगा दो उसके ऊपर। फिर वो कह रहा है कि अंग्रेजों की सरकार के बनाए गए पुल पर से जाएगा तो पुल का भी टैक्स लगा दो उसके ऊपर, टोल टैक्स, रोड टैक्स, एंट्री टैक्स, एग्जिट टैक्स। और वो कहता है इतने टैक्स लगा दो कि ये दे ना सके। तो एक MP पूछ रहा है तो फायदा क्या अगर हम इतने ही टैक्स लगा दें कि ये दे ना सके, तो फायदा क्या? तो विल्वरफोर्स कह रहा फायदा उसी में है, क्या है कि हिंदुस्तानी बहुत ईमानदार है तो टैक्स भरने की कोशिश करेंगे, ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो सब बर्बाद हो जाएंगे, और अगर टैक्स भरेंगे नहीं तो बेईमानी करेंगे, बेईमानी करेंगे तो कमजोर बनेंगे और कमजोरों को गुलाम बनाना आसान होता है। तो कह रहा हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, या तो हिंदुस्तानी सब ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, टैक्स नहीं भरेंगे तो बेईमान होंगे, बेईमान होंगे तो गुलाम बनाना आसान है, हमको तो दोनों ही काम करना। तब पूरा पार्लियामेंट एक स्वर से कहता है हाँ आपकी बात स्वीकार, चलो कानून बनाना शुरू करो। तो अंग्रेजों ने 1840 से ये कानून बनाने शुरू कर दिए। विस्तार से मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, सिर्फ इशारे से कह रहा हूं, यही कानून आज तक भारत में लगे हुए हैं। आपको सुनकर दुख होगा, मुझे बहुत कांटे की तरह से ये चुभता है, 1860s में जब सबसे पहले इंडियन इनकम टैक्स आया, अंग्रेजों ने 97% इनकम टैक्स लगाया था,
माने आप 100 रुपए कमाई कर रहे हैं तो 97 रुपए अंग्रेजी सरकार को दीजिए, 3 रुपए अपने पास रखिए। और वो 97% इनकम टैक्स हिंदुस्तान में आजादी आने के 35 साल बाद तक लगा रहा, आज भी वो 35% आया है। इतनी लड़ाई झगड़ा सब करने के बाद 35% आया। मेरे समझ में ये नहीं आता कि इनकम पर टैक्स क्यों होना चाहिए, प्रोडक्शन पर टैक्स क्यों होना चाहिए। कोई आदमी अपनी पूंजी लगाकर, अपना दिमाग लगाकर, अपनी मेहनत करके समाज को उत्पादन करके दे रहा, उस पर टैक्स क्यों होना चाहिए? उसको तो प्रमोशन करने के लिए सरकार को और मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है। ये तो बहुत बड़े हुनर का काम वो कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि ये भारत सरकार इतनी इनकम टैक्स लगाती है, फिर उसके पहले अंग्रेज लगाते थे, अंग्रेजों के पहले कितना था? आपको सुनकर हैरानी होगी, 10वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान में कोई इनकम टैक्स नहीं था। और 10वीं शताब्दी तक ये हिंदुस्तान चलता रहा एक अर्थशास्त्र पर, जिसको चाणक्य अर्थशास्त्र कहा जाता है। चाणक्य मानता है कि इनकम पे तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स अगर लेना है तो कैसे लेना चाहिए। बड़ी सुंदर बात वो कहता है अपनी अर्थशास्त्र की किताब में। वो कहता है जैसे मधुमक्खी फूल में से रस लेती है लेकिन फूल को निचोड़ नहीं लेती, फूल में से उतना ही रस लेती है जिससे फूल भी बचा रहे और उसकी भी क्षुधा पूरी हो जाए, तो राजा को उतना ही टैक्स लेना चाहिए। तो कोई कहता है आप इसका परसेंटेज तय कर दो, तो चाणक्य कहता है 5% से ज्यादा टैक्स कभी नहीं होना चाहिए। और वो कहता है जब इमरजेंसी हो जाए, बाहरी हमला हो जाए, तो वो 5% का टैक्स मैक्सिमम 15% तक जाना चाहिए, इसके आगे वो भी नहीं जाना चाहिए। तो 10वीं 11वीं शताब्दी तक ये देश चलता रहा चाणक्य अर्थशास्त्र से, तब ये भारत सोने की चिड़िया हो गया। उसके बाद ये चला विदेशी अर्थशास्त्र से, माने विदेशी आए, उन्होंने रूल किया, नए नए टैक्स के कानून बनाए, उसके बाद अंग्रेजों ने तो सत्यानाश कर दिया, तब से ये देश गिरता चला गया। तो अंग्रेजों ने बहुत सुंदर तरीके से इस देश को खत्म किया टैक्सेशन के सिस्टम से। फिर वो अंग्रेज कहते हैं कि सिर्फ टैक्सेशन के ही सिस्टम नहीं, एक अंग्रेज अधिकारी जिसने ये ड्राफ्टिंग किया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का, जिसने ड्राफ्टिंग किया, वो कहता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेट होना चाहिए कि किसी को समझ में ना आए, हम समझ सके, माने अंग्रेज समझ सके, हिंदुस्तानी तो कभी ना समझे। इसको समझने के लिए भी वो हमारे पास आए, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड को। तो इनकम टैक्स एक्ट जो बनाया गया, वो गोल गोल जलेबी जलेबी वाली जो भाषा है, और मैं हिंदुस्तान के बड़े इनकम टैक्स लॉयर की बात को कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि 40-40 साल इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करने वाले भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि ये एक्ट उनको समझ में आ गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। शायद ही दुनिया में कोई देश में इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, और सेंट्रल एक्साइज भी उससे कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और भारत का कोई भी कानून आप पढ़ना शुरू करिए, कानून की पहली वाक्य पढ़कर आखिरी तक पहुंचेंगे, आपको याद नहीं रहेगा कि बीच में क्या है या पहले वाक्य में क्या है। इतनी क्लिष्ट भाषा क्यों? जानबूझ के, ताकि आपको समझ में ना आए। तो आप करेंगे क्या? इंटरप्रिटेशन के लिए अंग्रेजों के पास जाएंगे, तो डिपेंडेंसी उन पर ही रहने वाली है, और फिर अंग्रेज चाहे वैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो भारत के कानून इस तरह से बनाए हुए हैं कि चाहे जैसे इंटरप्रिटेशन करा लो उसका, और उसी वर्ग में हिंदुस्तान फंस गया। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए उसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतवासियों को हुआ, सबसे ज्यादा फायदा वकीलों को हुआ, और इसलिए गांधी जी ने अपनी वकालत की डिग्री जला दी 1915 में, बार एट लॉ की डिग्री जलाई थी गांधी जी। उन्होंने कहा भारत भूल जाए कि मैं बैरिस्टर हूं, क्योंकि ये वो वर्ग है जिसको अंग्रेजों ने पैदा किया है भारत के लोगों का खून चूसने के, कभी भी कानून की सही व्याख्या करके नहीं देगा ये वर्ग, ये गांधी जी का मानना था। और उसी वर्ग में आज भी पूरा देश फंस रहा है, पिस रहा है। परिणाम क्या है? भारत में जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जितने हाई कोर्ट्स हैं, सब जगह 4,50,00,000 केस पेंडिंग है। एक बार मैंने भारत के कानून मंत्री अरुण जेटली को एक प्रश्न पूछवाया था लोकसभा में एक एमपी की मदद से कि ये 4,50,00,000 केस जो पेंडिंग है इनका जजमेंट कभी आएगा, तो कानून मंत्री का जवाब था कि कम से कम 350 साल में इनका जजमेंट आ जाएगा। वो जो 350 केस पेंडिंग है उसमें मेरे भी 90 केस पेंडिंग है,
आज़ादी बचाओ आंदोलन के, पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन के, तो मेरे भी 350 साल में सभी केस का जजमेंट आएगा, तो कम से कम मुझे 8-10 बार पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा अपने केस का जजमेंट सुनने के। और भारत के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा, वो स्वीकार करते हैं कि ये जो कानून का तंत्र है ये कभी न्याय नहीं देता, ये कभी न्याय नहीं देता। उन्होंने स्वीकार किया है इस बात को, पब्लिकली स्वीकार किया है कि हम न्यायाधीश नहीं हैं, हम कायदाधीश हैं, माने कानून के आधार पर फैसला देते हैं, न्याय नहीं देते, क्योंकि न्याय की परिभाषा ही अलग है। अब कानून कैसे है, कायदे कैसे अंग्रेजों के बनाए हुए, टैक्सेशन के बारे में तो बताया, और भी जो दूसरे कायदे अंग्रेजों ने बनाए, जैसे उदाहरण के लिए कायदा अंग्रेजों के जमाने का है, अगर आप गाय को डंडे से मारें तो जेल होगी, और उसको काट के उसका मांस बेचें तो एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये भारत में कानून है और अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ, आज तक चल रहा है। गाय को डंडे से मारें तो आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि आप पवित्र जानवर को हैरान परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसको कत्ल करवा दीजिए, उसके लिए 350 कत्ल खाने भारत में चल रहे हैं, और उनकी संख्या 3000 से ज़्यादा होने की तैयारी में, और उनका मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, दुनिया भर में सब जगह जा रहा है। भारत के किसान जिसको माता समझ के पूजन करते हैं, वो हर साल 2.5 करोड़ से ज़्यादा गाय कटती है भारत। ये कानून है हमारे देश में। अंग्रेजों के बाद जो काले अंग्रेज आए, उन्होंने जो कानून बनाए वो कुछ कम नहीं। हमारे काले अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं जो अंग्रेजों से भी भारी पड़ते हैं। आजादी के पिछले 57 साल में भारत की संसद के बनाए हुए कानून अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है कई मामले। कोई कम नहीं है, क्यों? अब ये जो अंग्रेज काले हमारे देश में है, संसद में, विधानसभा, इनको जब मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं कि जो चल रहा है ट्रेंड, हम उसी में कानून बनाते हैं, उसके आगे उसके विरोध जाके कुछ करना नहीं। तो कानून सब वैसे हैं। मैंने एक लिस्ट किया अंग्रेजों के समय के बनाए हुए 34,735 कानून आज भी इस देश में चलते हैं, माने भारत में चलते हैं, खत्म नहीं हुए। इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड रिवेन्यू एक्ट, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन रेलवे एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, ये सारे के सारे कानून बिफोर 1947 के सब चल रहे हैं। इवन रूल्स रेगुलेशन अंग्रेजों के समय के चल रहे हैं, वो भी नहीं बदले। बहुत साल मैंने भारत में सिर्फ एक काम के लिए संघर्ष किया कि हमारी संसद में शाम को 5 बजे बजट पेश होता था 97 तक। मैं ये बात हर बार कुछ MPs को पूछा था कि संसद चलती है सुबह 11:30 बजे, बजट शाम को 5 बजे क्यों आता है, कोई मुझे जवाब नहीं देता था। एक बार एक सांसद जो भूतपूर्व हो गए, अभी थोड़े दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया, उनका नाम था मधुलिमई, मैं एक बार उनको मिला तो उन्होंने कहा देखो ये समझना है तो 1927 का पार्लियामेंट का बजट निकाल के पढ़ो। सबसे पहला बजट आया अंग्रेजों ने 1927 में, पार्लियामेंट बने ये जो दिल्ली में है, ये 1925 में बनी, 1927 में पहला बजट, तो उस बजट का वो पढ़ो, प्रस्तावना पढ़ो। तो मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ है कि ये बजट शाम को 5 बजे इसलिए पेश किया जा रहा है कि इंग्लैंड की संसद में 11:30 बजे है, इंग्लैंड की संसद में सवेरे के 11:30 बजे हैं, यहाँ शाम को 5 बजे इसलिए बजट पेश किया जा रहा है, और इंग्लैंड की संसद का टाइम उस समय शुरू होने का 11:30 बजे था, और हम उस समय इंग्लैंड की कॉलोनी लेते हैं। तो ठीक है, हम शाम को 5 बजे बजट पेश करते थे 1927 से 1947 तक। 1947 के बाद क्या हुआ? 1947 से 1997 तक बजट शाम को 5 बजे ही आया। फिर मैंने क्या किया कि वो बजट की फोटोकॉपी करा करा के 250 सांसदों को दिया, मैंने कहा आपकी आंखें फूटी हैं, जरा पढ़ो ये क्या लिखा है, इंग्लैंड में सवेरे का 11:30 बज रहा है इसलिए यहाँ 5 बजे बजट पेश हो रहा है, ये 1947 में हम आज़ाद हो गए, तिरंगा झंडा आ गया, यूनियन जैक हमने उतार दिया, ये अभी भी नियम नहीं बदला आपने। तब जाकर एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनका नाम है चंद्रशेखर, और 97 में पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन हुआ था, आपको याद है 15 अगस्त 1997 को विशेष अधिवेशन, उसमें 3 घंटे इस पर गर्मा गर्म बहस हुई, तब सरकार ने कहा कि ये नियम को बदलेंगे। तो 1998 से बजट सवेरे 11 बजे आना शुरू हुआ, माने एक छोटा सा नियम बदलने में हमारे नेताओं को 50 साल लगता है, और उसमें भी राजीव दीक्षित जैसे आदमी को फोटोकॉपी करा करा के बांटनी पड़ती है। हमारी स्थिति ये है,
तो बाकी नियम कानून की आप क्या बात करेंगे। तो भारत के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है और जो सबसे बड़ी अव्यवस्था है वो है अंग्रेजों के बनाए हुए कानून नियम सारे के सारे, हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, सब जगह वही नियम है। आज भी हिंदुस्तान के किसानों से जमीन छीनी जाती है, आप जानते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट के आधार पर। मैं किसान हूं, खेती करता हूं, कल को एक अधिकारी आएगा, कहेगा ये जमीन सरकार लेगी, मुआवजा मिले ना मिले दे दो सरकार को, मैं नहीं देना चाहता, फिर भी डंडे मारेंगे, पीटेंगे, जेल में बंद कर देंगे, कहेंगे आप सरकार के काम में अड़ंगा लगाते हो। मैं मेरे जमीन का मालिक, मेरी जमीन नहीं पकड़ के रख सकता, सरकार ले लेगी, जिस दिन चाहे उस दिन ले लेगी। और जिनकी जमीनें लिया है भारत सरकार ने, 40-40 साल तक उनको मुआवजे नहीं मिले हैं, आज भी वो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। ऐसे 2 करोड़ भारतवासी हैं जिनकी जमीनें आजादी के 50 साल बाद में ली गई हैं, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला है, वो सब बेचारे भटकते हैं, एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा। उनके ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करती है और जो कुछ होता है हिंदुस्तान में वो आप कल्पना नहीं कर सकते यहाँ बैठे। तो सबसे बड़ी चुनौती और समस्या जो भी माने वो ये कि अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कायदे कानून। दूसरी समस्या, अंग्रेजियत आज भी हमारे भारत के नेता और अधिकारियों के मन से गई नहीं है। आईसीएस ऑफिसर तो जिस अंग्रेजियत का व्यवहार करते हैं आप सोच नहीं सकते। एक आईसीएस ऑफिसर जो मेरे टैक्स के दिए गए पगार पर अपनी जिंदगी चलाता है वो मेरा सिर तोड़ के बात करता है। मैं अभी चला जाऊं उसके ऑफिस में तो वो मान लेता है कि ये कोई अवांछित व्यक्ति आ गया और उसको ऐसे दुत्कारता है जैसे कुत्ते को हम दुत्कारते हैं हमारे घर में आने पर। और यही आईसीएस ऑफिसर आपके साथ क्या क्या मिसबिहेव करते होंगे, एयरपोर्ट हिंदुस्तान का कोई भी शुरू हो जाए वहां से आप कल्पना कर सकते हैं। आप जैसे लोगों के साथ अगर वो मिसबिहेव कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको 2 समय खाने को रोटी नहीं मिलती, उनको कितना मिसबिहेव करते होंगे। आपके जैसे ताकतवर लोगों को जिनके बारे में सरकार भी थोड़ा डरती है, घबराती है, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन बुलाती है कि ये हमसे बहुत नाराज ना हो जाए, बार बार आपको निमंत्रण देने के लिए मंत्री आता है आपके यहाँ आके चिरौरी करता है कि आइए आइए हम आपके लिए ही ये सब कर रहे हैं, कि जिनसे आप, आपके साथ क्या क्या मिसबिहेव होता है प्रवासी सम्मेलनों में वो भी मैंने मेरी आंखों से देखा है। अधिकारी सब आगे की सीट पे आगे जम के बैठ जाएंगे, आपको पीछे की जगह नहीं मिलेगी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, खाने को रोटी भी ना मिले वो रोटी सब आपकी खा जाएंगे सब। 2 बार का तो मुझे अनुभव है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, प्रवासी भारतीयों को रोटी नहीं है, अधिकारी सब खा गए, ऐसा मिसबिहेव, क्योंकि उनके मन में अंग्रेजियत रग रग में बसी हुई है। एजुकेशन की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि हम डिग्री ले रहे हैं लेकिन कुछ उद्योग नहीं दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, नॉलेज नहीं दे रहे हैं। ये अब समस्याओं का समाधान क्या करें, फिर 15 मिनट में कह के खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर, समाधान क्या करें, क्या करें कि ये सब ठीक हो जाए। अब इसमें 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि भारत की इस पूरी व्यवस्था को जो आज भी हमारे ऊपर है अंग्रेजियत की है, इसको बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो, जैसा गांधी जी कहते थे 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी ने कहा कि भारत में अभी आज़ादी आई नहीं है, सिर्फ वोट देने का अधिकार हमें मिला है, इससे आज़ादी का कोई लेना देना नहीं, आज़ादी लाने के लिए अभी आगे संघर्ष करना पड़ेगा। और गांधी जी ने इसके लिए बहुत स्पष्ट कहा था कि आज़ादी लाने के लिए आगे जो संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए कांग्रेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा, ये गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था। और उन्होंने मसविदे में लिखा था, अपनी प्रार्थना सभा में बोला था, अखबारों ने छापा भी था इसको, लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद ये बात आई गई हो गई। तो गांधी जी ने कहा और वो सब लोगों ने आज भी स्वीकार किया कि अंग्रेजियत गई है, सॉरी अंग्रेजियत नहीं गई है, अंग्रेज गए हैं, तंत्र वही है, स्वतंत्रता अभी नहीं आई है, अभी भी हम दूसरे तंत्र में रह रहे हैं, मानसिकता भारतीयता की है, तंत्र पूरा अंग्रेजियत का है, अब इसमें कोई तालमेल नहीं बैठता है। इसलिए तो अब एक तो ये विकल्प है जो गांधी जी कहते थे कि कोई बड़े पैमाने पर फिर से दूसरा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो, उसमें कोई लोगों को फिर वही भोग देना पड़े जो गांधी जी ने कभी किया, भगत सिंह ने किया, एक तो वो रास्ता है। या तो एक तरीका दूसरा ये है कि ये भारत के साधारण लोग जिनके ऊपर ये तंत्र बैठा हुआ है, हम इनको इतना ऊंचा उठा दें, इतने ताकतवर बना दें, एक शब्द है एम्पावरमेंट, उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इतना कर दें कि ये खुद से उस तंत्र को पलट दें और अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लें। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, कोई बड़ा रिवोल्यूशन हो भारत में,
और दूसरा रास्ता कि ये साधारण साधारण लोग जो साधारण साधारण गांव में रहते हैं उनको इतना एम्पावर कर दिया जाए कि वो अगले 10 साल 15 साल 20 साल या 25 साल में अपनी इस खोई हुई स्वतंत्रता को वापस हासिल कर ले। मैं मानता हूं कि ये दूसरा रास्ता है वो शायद आसान है, प्रैक्टिकल है, तो मैंने उसी रास्ते पर चलना शुरू किया कि भारत के जो साधारण साधारण गांव में रहने वाले हजारों हजारों लाखों लाखों लोग हैं इनको किसी तरह से एम्पावर किया जाए, इनके दुख दर्दों को कुछ कम किया जाए, इनको थोड़ा ऊपर उठाया जाए और इनकी मदद से शायद आने वाले 20 साल में 25 साल में हम ऐसी बात सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, कोई ताकत खड़ी हो जाए जो इस देश की स्वतंत्रता को हासिल कर ले और तंत्र को बदल दे। भारत का जो ऊपर वाला क्लास है, जो अंग्रेजों का जैसा व्यवहार करता है, सरकार में है या सरकार के साथ में, इस क्लास से बहुत उम्मीद नहीं है कि वो कोई रिवॉल्यूशन करे। वो अपनी सुरक्षा के साथ बैठा हुआ है अपने अपने स्थानों पर। तो हम लोगों ने ये जो आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया वो इसी दिशा में शुरू किया कि भारत के साधारण साधारण नागरिकों को थोड़ा खड़ा कर दिया जाए। तो खड़ा करने के लिए क्या क्या करना, उनकी जो कृषि व्यवस्था है उसमें थोड़ा कुछ सुधार हो सकता है क्या, इस विषय में थोड़ा मैंने रिसर्च किया, अभ्यास किया तो थोड़ा रास्ता उसमें दिखाई देता है। कृषि व्यवस्था में क्या सुधार हो सकता है, आज जो हमारे किसान या खेडूत काम करते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि खेती का लागत खर्च बढ़ रहा है और उनको जो मार्केट में प्राइस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन मार्केट में जो कीमत मिलनी चाहिए दाम नहीं मिल रहे, तो वो सुसाइड कर रहे हैं। भारत के किसान कितने बड़े पैमाने पर सुसाइड करते हैं वो आप जानते हैं। तो हमने इसको रिवर्स करने की कोशिश की कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खेती का कम हो सके, इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसमें हम सफल हुए। हमने हिंदुस्तान के 60,000 हेक्टेयर जमीन पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90% कम करा लिया, 90% कम करा। कैसे कम करा लिया, जो किसान यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट इस्तेमाल करते थे उनको हमने ट्रेनिंग दे देकर कह दिया और सिखा दिया कि यूरिया डीएपी बंद करो, गाय का गोबर भैंस का गोबर जो किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध है गांव में उसका इस्तेमाल करो। तो पहले उनके मन में डर था कि इससे प्रोडक्टिविटी कम होगी, फर्टिलिटी कम होगी। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए मॉडल गाँव बनाए जहाँ पर पहले ये करके दिखाया, वो मॉडल गांव ने उनको कॉन्फिडेंस दे दिया। और हमने जब ये मॉडल गांव बनाए तो उसमें सिद्ध हो गया कि ना तो प्रोडक्टिविटी कम होती है ना फर्टिलिटी कम होती है। गाय का गोबर भैंस का गोबर, गाय का मूत्र भैंस का मूत्र, जानवरों का जो कुछ भी वेस्ट है उसको हम मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करें, वो हमने करके देख लिया। 60,000 हेक्टेयर में हम आज कर रहे हैं और उसमें से जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो मार्केट में जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो जो नॉर्मल प्राइस है उससे ज़्यादा हमें मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति को जब हम कहते हैं कि ये गेहूं पैदा किया है बिना यूरिया बिना डीएपी बिना सुपरफॉस्फेट, तो कहता है जी 20 रुपए किलो दे दो, 25 रुपए किलो दे दो, और हम वो बेच पाते हैं। बाजार में साधारण गेहूं भारत में 10-12 रुपए किलो है, हम जो गेहूं बेच रहे हैं वो 18 रुपए किलो तक आराम से बिकता है। इसी तरह चावल पैदा किया है, दालें पैदा की हैं, फल पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी किसान इस तरह की सब्जी कर रहे हैं उनकी तो हाथों हाथ बिक जाती है, बाजार तक भी नहीं आ पाती। हमने देख लिया है कि इसको बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए हैं गांव-गांव में किसानों के। 118 गांव में अभी हमारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, वो फिर गांव-गांव जाके दूसरों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। इससे हम मानते हैं कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ कम हो सकता है और जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा उतना ही उनका इनकम बढ़ जाएगा। दूसरा, हमने उनका एम्पावरमेंट हो इसके लिए एक काम और शुरू किया है कि हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, साबुन है, मंजन है, वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर है, शैम्पू है, टूथ पाउडर है, टूथपेस्ट है, ये सब जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है, इनको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। तो हमने वो ट्रेनिंग देना शुरू किया गाँव-गाँव, और आज वो ट्रेनिंग देकर 55 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो इन गाँव में हम बनवाते हैं और बहुत आसानी से देश में बिक जाते हैं। हम शैम्पू बनाते हैं और हमारे शैम्पू का जो बेस है वो भारत के बाज़ार में बिकने वाले विदेशी कंपनियों के शैम्पू बेस से बिल्कुल अलग है। विदेशी कंपनियां जो शैम्पू बनाती हैं वो सोडियम लॉरेल सल्फेट से बनाते हैं, हम जो शैम्पू बनाते हैं वो आंवला रीठा शिकाकाई से बनाते हैं। विदेशी कंपनियाँ सोडियम लॉरेल सल्फेट इस्तेमाल करती हैं, हम उसकी जगह गाय के मूत्र का इस्तेमाल करते हैं। और गोमूत्र बेस करके जो शैम्पू हमने बनाया है वो भारत के बहुत आसानी से बिकने वाले शैम्पू में है। क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी है कि आप उसका इस्तेमाल करें तो बाल झड़ना कम होते हैं, सबसे पहले तो पानी बहुत कम खर्च होता है और जो बाल धोने के बाद पानी निकलता है वो खेत में एक पैसे का भी नुकसान नहीं करता है।
अभी जो सोडियम लॉरेल सल्फेट वाले शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें झाग बहुत बनता है, उसका जो पानी है वेस्ट वो आप खेत में डाल दीजिए, खेत खत्म हो जाएगा आपका, मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो गाय के मूत्र का या आंवला रीठा शीकाकाई के बेस का शैम्पू है वो ना तो खेत की मिट्टी को खराब करता है ना पानी को खराब करता है। आप जानते हैं पानी में करोड़ों माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे, और ये केमिकल सोडियम लॉरेल सल्फेट सबसे ज़्यादा उनको मार देता है, और पानी के माइक्रोब्स मरे तो पानी खत्म हो जाता है। हमारे किसी भी ऐसे प्रोडक्ट से एक पैसे का भी कोई माइक्रोब की हत्या नहीं होती, इसलिए हम उसको अहिंसक शैम्पू करके पूरे भारत में मार्केट करते हैं और बहुत आसानी से वो बिक जाता है। हमारी स्थिति आज ये है कि जितना हम बनाते हैं सब खत्म हो जाता है। हम नए नए सेंटर बढ़ाते जा रहे हैं फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत के लोगों में भी अब ये चेतना आ रही है कि उनको ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए। ऐसे ही हमने साबुन बनाने शुरू किए हैं गाँव गाँव में। आप में से चाहें तो कुछ लोगों को मैं सैंपल उपलब्ध करा दूंगा। नारियल का तेल इस्तेमाल करके दुनिया में सबसे पहला साबुन हमने बनवाया है और छोटे छोटे गाँव में बनवाया। कोई भी कंपनी पूरे दुनिया में नारियल के तेल का साबुन नहीं बनाती, हम बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं नारियल के तेल का? क्योंकि नारियल का तेल भारत में सबसे बड़े पैमाने पे पैदा होता है, दूसरे नंबर पर तिल का तेल। अगर हम हमारे देश का रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरे से कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो इस्तेमाल करें? हम चाहें तो वो साबुन पामोलिन ऑयल से बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाते क्योंकि वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, हम नारियल के तेल का बनाते हैं। नारियल के तेल का साबुन हम 85% TFM का बनाते हैं, और वो साबुन भारत में बड़े आराम से 15 रुपए का 150 ग्राम बिक जाता है, जबकि उसी क्वालिटी का विदेशी कंपनी का साबुन 45 रुपए का 100 ग्राम मिलता है डफ, जिसमें वो पामोलिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, नारियल तेल भी कभी नहीं डालते। तो ऐसे छोटे छोटे सामान, हमने वॉशिंग पाउडर अभी डेवलप किया है, और वो वॉशिंग पाउडर में हम चैलेंज करते हैं दुनिया की हर कंपनी को। हमने टेस्ट भी करा लिए सभी लेबोरेटरी में कि हमारे वॉशिंग पाउडर से धुले हुए कपड़े का पानी आप खेत में कहीं भी डाल दो और उस मिट्टी को फिर चेक करा लो, उस मिट्टी में 1% भी गिरावट नहीं आएगी। क्यों? हम किसी भी शैम्पू में केमिकल्स इस्तेमाल सबसे कम कर रहे हैं फिर भी शैम्पू बना रहे हैं, और शैम्पू इस क्वालिटी का है कि आप वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल करें। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे कई प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए हैं। विदेशी कंपनियां जो एरियल नाम का वॉशिंग पाउडर 180 रुपए किलो, हमारा जो वॉशिंग पाउडर है इस क्वालिटी का जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो 35 से 40 रुपए किलो। ऐसे ही हमने ग्लिसरीन का जो साबुन आता है ना पियर्स 20 रुपए का, वो साबुन हमने डेवलप किया है मात्र 6.5-7 रुपए। हम मॉस्किटो रेपेलेंट बनाते हैं गोमूत्र से, और गोमूत्र के मॉस्किटो रेपेलेंट के बारे में जितने भी हिंदुस्तान में टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है सबको हमने भेज के दिखाया, उन्होंने कहा इससे ज्यादा सेफ मॉस्किटो रेपेलेंट हो नहीं सकता। और गाय के गोबर से हमने मच्छर अगरबत्ती बनाई है, वो एक कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती आपने देखा, वो तो एल्ड्रिन से बनती है, एल्ड्रिन दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, लेकिन हमने गाय के गोबर से मच्छर अगरबत्ती बनाई है, धूप बत्ती बनाई है, अगरबत्ती बनाई है गाय के गोबर से। हम ऐसे 35 प्रोडक्ट बनाते हैं, गोमूत्र से औषधियां बनाते हैं। एक हमने आई ड्रॉप बनाया है गाय के मूत्र से, वो कैटरेक्ट रिमूव कर देता है बिना किसी ऑपरेशन के। कैटरेक्ट का दुनिया में एक ही ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन। हम गोमूत्र से एक बनाया है, वो आप इस्तेमाल करें तो 3 महीने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़े ऑपरेशन की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको मेडिसिन के रूप में उसकी मान्यता दे दी। थोड़ा हमें उनसे झगड़ा करना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोमूत्र को मेडिसिन मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्विंस कराने के लिए हमें अमेरिकन पेटेंट का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने 2002 में गाय मूत्र को पेटेंट ले लिया था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्विंस हुई कि हाँ ये मेडिसिन है। तो इस तरह की कुछ कोशिश हमने की, और इस पूरी कोशिश में ध्यान हमने ये रखा है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो गाँव में आसानी से उपलब्ध है, हर एक गाँव में। ये छोटे छोटे स्तर पे हमने अभी हमने ये 118 गाँव में शुरू किया है। कल्पना है कि कोई दिन 200 गाँव में हो, 500 में हो, 1000 में हो, 2000 में हो, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ताकत बढ़ेगी, और यही ताकत एक दिन भारत को हो सकता है दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए क्षमता पैदा करेगी, और ये लोग लड़कर अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। क्योंकि एक बार इनका आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो वो राजनीतिक ताकत तो अपने आप ले लेंगे, क्योंकि आर्थिक शक्ति में से ही राजनीतिक शक्ति निकलती है, और राजनीतिक शक्ति निकलने के बाद फिर संस्कृति और सभ्यता की रक्षा भी हो सकती है। जब तक आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है तब तक आप उनसे कुछ अपेक्षा नहीं करते। और चलते चलते एक आखिरी बात कि इन्हीं गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने गांधी जी जैसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। गांव गांव में हम चरखे देते हैं, वो चरखा चलाते हैं उसमें से सूत निकलता है। हमारे चरखे का
8 घंटे कोई भी काम कर ले साधारण से साधारण व्यक्ति, तो उसको 70 से 80 रुपए आराम से मिल जाता है, और एक चरखे से 5 आदमी को रोजगार मिलता है, रोज का 70 से 80 रुपए। ऐसे कुछ हजार चरखे हम भारत में चलवा रहे हैं 118 गांव में। हमारी कोशिश है कि इनकी संख्या बढ़ती जाए। उसमें से बनाया हुआ सूत, उससे खादी हम बनाते हैं, वो खादी भारत में कई स्थानों पर उपलब्ध है। मैं यहाँ लाया हूँ सैंपल के रूप में, वो आप चाहेंगे तो पीछे देख सकते हैं। और हमने 167 खादी की डिज़ाइन डेवलप की है, हाथ से बनाई हुई, हाथ से काती हुई, और उसमें जो कलर हम इस्तेमाल करते हैं वो बाहर से नहीं डालते, नेचुरल कलर का कॉटन हमने डेवलप किया है और ऑर्गेनिक कलर्स इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसी कुछ कोशिश हम थोड़े थोड़े स्तर पे कर रहे हैं। यही कोशिश अगर बहुत बड़े पैमाने पर हो जाए, हम भारत के कुछ स्थानों पे कर रहे हैं, आप जैसे लोगों के मन में अगर ये बात बैठ जाए और आपकी मदद से ये और स्थानों पर हो जाए, ये मल्टीप्लिकेशन होता चला जाए, तो थोड़े दिन में ये एक बहुत बड़ा कैंपेन हो सकता है। जैसा आज़ादी लाने के लिए ये कैंपेन चला था, वैसे ये कैंपेन आज़ादी बचाने के लिए चल सकता है, और शायद इस कैंपेन की ताकत से हम भारत को स्वावलंबी स्वयंपूर्ण देश बना सकते हैं और वो गौरव फिर हासिल करवा सकते हैं जो भूतकाल में था। भूतकाल में अगर था तो भविष्य में भी हो सकता है, अगर वर्तमान उसका ठीक कर सके। तो इस विश्वास के साथ आपका आभार, बहुत धन्यवाद।